वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक झरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सज रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे मासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काय और देवता चितन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की
सभी भाविकों से, भाविकों की ओर से बापू का यहाँ पर पुष्पार्पण से स्वागत हो रहा है। जिस कथा में प्रसन्नता और प्रेम बापू द्वारा हम सभी को सिखाया जा रहा है, उस कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृपया जो भाविक व्यासपीठ पर है उन्हें हमारी करबद्ध प्रार्थना है, कृपया व्यासपीठ व्यासपीठ से आप नीचे पधारें। आप सभी को हमारी करबद्ध प्रार्थना है, कृपया आप व्यासपीठ से नीचे पधारें। Thank you.
श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज Yeah.
बाप, राम कथा के आठवें दिन फिर एक बार कुंभ पर्व में आए समस्त साधु संत, परम चेतनाएं, उपस्थित सभी पूज्य चरण, आप सभी मेरे भाई बहन और टीवी के माध्यम से सुनने वाले मेरे सभी देशवासी भाई बहन, आप सभी को मेरा प्रणाम। राम कथा चार स्थानों में चल रही है। कैलाश पर भगवान महादेव अपनी देवी को कथा सुना रहे हैं। एक दूसरा शिखर नीलगिरी का, जहां बाबा काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। गंगा यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी तट पर परम विवेकी याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को ये कथा का श्रवण करा रहे हैं। और कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने मन को कथा का बोध दे रहे हैं। और इन चारों आचार्यों की आशीर्वादक छाया में बैठकर गोदावरी के पावन तट पर महान पर्व के अवसर में हम और आप राम कथा का गान कर रहे हैं। मानस कुंभज, भगवान राम और कुंभज ऋषि कुटिया में एकांत में बैठे हैं। संत और भगवंत का सत्संग चल रहा है। बहुत से इस संदर्भ में प्रश्न मेरे पास आए हैं, लेकिन मेरी समझ में बहुत के खुलासे तो इन दिनों में हो चुके हैं, शायद आपका ध्यान न रहा हो। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी आई, वहीं से मैं शुरू करूं कि कुंभज ऋषि को राम मांगा कि आप मेरे हृदय में निवास करें, तो ब्रह्म के रूप में तो है ही, तो फिर भक्ति, अंतराय मुक्त भक्ति मांगना, वैराग्य मांगना, निरंतर सत्संग मांगना और चरण में अभंग प्रीति की याचना करना कहाँ तक प्रासंगिक है? अच्छी बात, ईश्वर मिल जाए तब भी ये चारों की जरूरत है। क्या हम सबको ईश्वर नहीं मिला है? कोई कह सकता है कि हमें ईश्वर नहीं मिला? हाँ, जरूर हमारी अपेक्षा के अनुकूल ईश्वर नहीं मिला है, लेकिन यदि उपनिषद कहती है कि ये समग्र ब्रह्मांड ब्रह्ममय है, और तुलसी यदि कहते हैं कि सी राममय सब जग जानी, तो ये जगत के रूप में हमें ईश्वर नहीं मिला है? आपको क्या कोई स्पेशल मुलाकात चाहिए? कोई प्राइवेट बिल्कुल गोपनीय मिलन? कौन है ये? अगर तू तस्बीह के एक दाने में है तो ये हर दाने दाने में कौन? अगर तू मंदिर में बसता है तो मस्जिद में कौन? तू वीराने में पलता है, अगर तू बागों में पलता है तो वीरानों में कौन? कहाँ नहीं है। और जब तक हमारे सामने जो दृश्यमान ईश्वर है, चलता फिरता ईश्वर है, उसको देखने के अभ्यस्त नहीं होएंगे, तब तक ये मांग लोगों की रहेगी कि भगवान दर्शन दे, भगवान दर्शन।
मैंने एक हनुमान जयंती के अवसर पहले भी कहा, किसी एक युवक ने मुझे पूछा था कि घुमा घुमा कर जवाब मत देना, साफ साफ हाँ या ना में जवाब देना, क्योंकि आप कथाकार लोग बहुत चालाक होते हैं, कि आप बहुत उल्टा सुलटा करके समझा देते हैं, फुसला देते हैं, लेकिन या तो हाँ कहो या तो ना कहो। बड़ा सुंदर प्रश्न एक बुद्धिमान युवक ने मुझे पूछा था और मैंने वो शायद इस अस्मिता पर्व के समापन पर हनुमान जयंती में इतने मूर्धन्य विद्वान आदरणीय लोग बैठे थे तब उसका चर्चा की थी। उस युवक ने पूछा था कि बापू और टाल मटोल मत करना, साफ साफ बता दो कि आपको ईश्वर के दर्शन हुए हैं या तो हाँ या तो ना। अब ये मत करना कि ये अनुभव का विषय है, वो आंखों से देखा नहीं जाता, ये गोल मटोल कुछ भी मत करना। हम समझते हैं कि आप लोग कैसा करते हैं, हुआ हो तो हाँ कहो, ना हुआ हो तो ना, बाकी बस और आगे पीछे कोई बात है। बड़ा अच्छा प्रश्न। अब मैं चाहता तो मैं भी कुछ घुमा घुमा कर बोल सकता था कि भाई वो तो एको देव सर्वभूतेषु सर्वव्यापी सर्वांतरात्मा श्वेताश्वतर उपनिषद। ये मैं सब लंबा चौड़ा कर सकता था, हमको ये सब आता है, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास चेता केवलो निर्गुणश्च, श्वेताश्वतर उपनिषद की घोषणा है, गूढ़ आदि आदि। निर्गुण है, हवा देखी नहीं जाती, पकड़ी नहीं जाती, हवा केवल छूती है बस, ऐसे ईश्वर देखा नहीं जाता, पकड़ में नहीं आता, हवा का कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, ऐसे ही ईश्वर का कोई रूप नहीं, ऐसे हम कह सकते थे और उपनिषद के नाम पर। लेकिन उसके सवाल में इतनी तीव्रता थी कि मुझे लगा कि इस सवाल का दो टूक जवाब देना चाहिए, और मेरे हृदय में जो रही सो बात मैंने कही कि भैया मैंने कभी ईश्वर दर्शन की कामना की ही नहीं। मैं सच कहता हृदय से कह रहा हूँ, मैंने आज तक मेरी इस राम कथा की यात्रा में कभी ये नहीं चाहा कि ईश्वर मुझे दर्शन दे। मैं सच कहता हूँ, मैं व्यासपीठ से सालों से आपको देखता हूं, यही मेरा ईश्वर दर्शन। मानस की चौपाई सुनते सुनते आपकी आंखें कभी डबडबा जाती हैं, आप कभी मुस्कुराते हैं, ये क्या प्रभु दर्शन नहीं है? और वो सीधा आए तो क्या हम जेल पाएंगे? हमें तो चाहिए ही नहीं, भाई तू वहीं रहना। ईश्वर दर्शन की, हाँ इसका मतलब आप भी कामना न करो ऐसा मैं नहीं कहता, ये सबकी अपनी अपनी रुचि है। लेकिन परमात्मा का दर्शन हो ऐसी कोई इच्छा नहीं है। यदि मैं और ईश्वर के दर्शन करूं तो मैंने तुलसी की चौपाई को न्याय नहीं दिया। तुलसी कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी, ये जगत जगदीश है, ये मेरे विचार हैं, आपको लेने की जरूरत नहीं। आपकी रुचि हो तो जांच पखवाज बजाते रहो, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखिया पासी, और हो जाए तो मैं भी राजी हूं, मुझे खत लिखना कि हमें हो गया, अपनी अपनी श्रद्धा का। लेकिन मेरे लिए कोई, मैं रामायण देखता हूँ मेरे ठाकुर के दर्शन होते, मैं आपको देखता हूँ। एक रोते हुए बच्चे को हंसा देना बंदगी नहीं है? मस्जिद दूर हो तो बच्चे को हंसा दो रोते हुए, बंदगी हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु का कोई सगुण विग्रह नहीं है, ये भी मत सोचे। तो जिसको मिलो इसी भाव से यदि हम मिलना सीख जाए
सब प्रभु ही तो है। दुर्भावना मिट जाएगी, द्वेष मिट जाएगा, दोष दर्शन मिट जाएगा, असूया निंदा मिट जाएगी, क्रोध मिट जाएगा, निर्वासन बोध का जन्म हो जाएगा। ऐसी दृष्टि से स्वामी रामतीर्थ तो कहते हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, मैं सुनता हूं हर वक्त तेरी कहानी। बादशाह राम कहते हैं, मैं हर वक्त तुम्हारी कहानी सुनता हूं प्रभु। ये अस्तित्व बोल रहा है, मैं सुनता हूं हर वक्त तेरी कहानी, जिक्र तेरा ही हो रहा कूब कू है। सब घट मेरा साइया, मेरा तो ये अभिप्राय था कि हमने कभी चाह की ही नहीं, उसकी मर्जी हो और आए दर्शन दे तो स्वागत है, लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि भाई हमको अनुकूल पड़े ऐसा रूप लेकर आना। हाँ, तू चतुर्भुज जीभ लहलाती हो, शेर का चेहरा है, वाघ का चेहरा है, कोई हमको ये पसंद, ये रख तेरे पास, तू राजी हो ऐसा वेश यदि हम धारण करते हैं तो हम राजी हो ऐसा वेश तू लेकर आना, वो भी तेरी मर्जी, यथा योग्यम तथा कुरु। बस ईश्वर को पाने की भी कामना छोड़ दो, कामना मात्र बंधन है, लोहे की जंजीर नहीं तो सोने की है, लेकिन है बंधन। हमारे गुजराती एक किसी कवि की पंक्ति है, बंधन बंधन जंखे मम मन आतम जंखे छूटता। मन और आत्मा का ये संघर्ष, मन चाहता है बंधन, आत्मा चाहता है मीठा मधुरा मनगमता पान, बंधन अंते बंधन छे। लई जाय जन्मोना ए चक्रावे एवू ये अवलंबन छे, हूँ लाख मनावू मम मनडाने तो ये करे मन उहुकारो। बंधन बंधन जंखे मम मन आत्म जंखे छुटकारो। क्या फर्क पड़ता, प्रभु तो परम बुद्धिमान है, लोहे की बेड़ी निकाल दे और सोने की पहना दे तो बंधन तो बंधन। आदमी इतना होशियार हो गया है तो वो कितना होगा। हाँ, एक आदमी को जजमेंट सुनाया गया, बड़ा गुनाह किया था, तो जज साहब ने कहा कि आपको मृत्यु दंड दिया जा रहा है, कलम तोड़ डाली मृत्यु दंड, और नियम के अनुसार आपको पूछा जा रहा है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, वो पूरी की जाएगी। तो उसने कहा कि इलाहाबाद के पूर्ण कुंभ में स्नान करना है। तो उसने कहा नासिक का चल रहा है उसमें कर ले। बोले नहीं, इलाहाबाद में स्नान कर। बोले वो तो 12 साल के बाद आएगा। तो बोले मुझे जल्दी भी कहां है, 12 साल के बाद हमें कहां जल्दी है। जज कहे अरे नासिक चल रहा है। नहीं नहीं, आदमी इतना होशियार हो चुका है, बहुत होशियार। छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चे दूसरे बेटे बालक से बात कर रहा है, तेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। तो कहे सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे हैं। तो दूसरे बालक को पूछा तेरे पिताजी क्या कर रहे हैं। वो जॉगिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। तो दोनों ने मिलकर पूछा जरा ये तो बता तेरे पिताजी सुबह क्या कर रहे हैं। बोले कुकिंग कर रहे हैं। बच्चे बड़े चतुर हैं, वो कितना चतुर होगा। एक के बदले दूसरा बंधन, कामना कामना है, अच्छी अच्छी है ईश्वर दर्शन की, चलो, लेकिन पूरी नहीं होगी तब उदासीनता छा जाएगी। क्यों मोले उदासीनता,
ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए, सब में हरि देखे। बहुत फायदा होगा, मंदिर की मूर्ति में हरि देखने से और जगह पाप करने का मौका मिल जाता है, हर जगह हरि देखने से पाप की जगह समाप्त हो जाती है। अब सास मंदिर में जाकर कहे, हे ठाकुर जी मेरी बहू का स्वभाव सुधार, तो क्या होगा? उसको सीधा बहू को देखना चाहिए, और बहू सास के बारे में शिकायत करे तो भगवान क्या करेगा? सीधा एक दूसरे, भाई भाई, बहन बेटा, बाप, ये सब एक दूसरे में प्रभु देखे। तो मेरे जाने माने ईश्वर दर्शन सबको हो रहा है, यही ईश्वर दर्शन। ईश्वर के अनेक हाथ, अनेक पैर, अनेक आंख, ये सब क्या है? अनेक हाथ, अनेक आंख, ये सब यही तो है। ये मैं अपने मन को तसल्ली नहीं दे रहा हूँ और आपके मन को फुसला नहीं रहा हूँ, ये मेरी जो दृढ़ धारणा है सो व्यक्त कर रहा हूँ। मेरे लिए ये सब ब्रह्म है। इसका मतलब मंदिर में बैठा ठाकुर बहुत सुंदर है, जरूर विनोबा जी कहते कि मैं विट्ठल नाथ जी का, पंडित नाथ का दर्शन करता हूँ, तब खबर नहीं मुझे महसूस होता है कि वो मुझसे बातचीत करता है। विनोबा जी जैसा एक ऋषि प्रतिभा बोली है, ये कोई भावुक आदमी केवल नहीं थे। मैं नाम लिए बिना कहूं कि बुद्धि प्रतिभा में उस समय में विनोबा की तुलना में आए ऐसे बहुत कम थे। बड़ी रितंभरा बुद्धि इस महापुरुष की, उनकी नाम निष्ठा देखिए, उनकी सगुण निष्ठा देखिए, अद्भुत। अब महाराष्ट्रीय संतों के ऊपर उनका भरोसा देखिए, बड़ा अद्भुत। यही हरि दर्शन। तो कुंभज ऋषि को राम सीता लक्ष्मण के दर्शन होने के बाद अविरल भक्ति, बिरति, सत्संग और प्रीति अभंग की क्या जरूरत पड़ी? मैं इसी अर्थ में आपको समझाने की चेष्टा करूं कि ये सब हरि दर्शन है, ये मिल गया इसीलिए अंतराय मुक्त इन लोगों के साथ भाव की जरूरत है। इन लोगों के साथ हम थोड़ा वैराग, हम दूसरों के लिए थोड़ा त्यागे, उसकी जरूरत है। हमारा ये हरि दर्शन निरंतर बना रहे इसलिए सत्संग की जरूरत, हमारा ये विवेक टूटे ना कि सब हरि है। और उनके चरण में हमारी प्रीत अभंग रहे, इसलिए पाने के बाद भी ये चारों सूत्र मेरी समझ में आवश्यक। अब तुमको परिवार, हमको परिवार मिल गया और परिवार के लिए हम त्याग न करें तो, वैराग न करें, वीरती न करें तो ठीक नहीं होगा। परिवार के रूप में परमात्मा मिल गया और हम उनके प्रति भाव न रखें तो, परिवार के रूप में ईश्वर मिल गया, पड़ोसी के रूप में ईश्वर मिल गया और हम विवेक शून्य बन जाए तो ये सब ब्रह्म है। 21वीं सदी में यही सीखना पड़ेगा, इस तरफ देखना पड़ेगा। इसका अर्थ फिर भी मैं कहूं कि ये नहीं कि प्रभु के विशिष्ट रूप की कोई महिमा नहीं है, महिमा, अद्भुत महिमा। इनके विशिष्ट रूपों ने किसी को आकर्षित नहीं किया। मेरे पास दो दिन से जिज्ञासाएं आ रही है, मैं संक्षेप में कह दूं, बापू बहुत समय से आपने ये बात नहीं की, जलालुद्दीन वसाली बड़े पहुंचे हुए फकीर हुए, वसाली साहब मुस्लिम थे, यूपी के रहने वाले थे। एक पंडित जी रोज राम कथा करते हैं और रोज राम कथा के आरंभ में राम के रूप का बयान करते हैं कि राम कैसे हैं। नव मुख कर
कृपालु भजे वैशाली साहब निकलते हैं वहीं से और एक पंडित जी कुछ देहातियों के सामने अपनी आजीविका कथा से चलती थी और राम कथा गा रहे थे और विनय पत्रिका का ये प्रसिद्ध पद गा रहे थे और वहीं से ये फकीर निकलते हैं। अपने मन को पूछता है वैशाली साहब कि किसके शहजादे के रीप का वर्णन है, कौन राजकुमार का वर्णन है, कौन ऐसा शहजादा है जिसके रूप का बयां हो रहा है। अब मुस्लिम है, लगता है कि मैं जाऊं और पंडित जी को बुरा लगे तो वृक्ष के पीछे छिप छिप कर राम कथा सुनते हैं। बिरादरी को पता लग गया कि हमारे धर्म का फकीर हिंदू का ग्रंथ सुन रहा, यही तो करुणा है देश की दुनिया की। संसार में हमारा तुम्हारा करना भी पाप है, ये वरना करो तो चलो क्षम्य है, लेकिन ईश्वर में क्यों करते हो। हमारे कल अदम साहब कह रहे थे कि छाना बिलग बिलग है, धुआं तो एक है, जो डाले थे वो छाने कंडे बिलग बिलग, कहीं अग्नि का धुना बनाओ और कंडे डालो लेकिन धुआं तो एक ही निकलता है, क्या फर्क पड़ता है। क्या हो गया राष्ट्र को, क्या हो गया कहलाने वाले धर्मों को। वजू करूं अजमेर में काशी में स्नान, बेकल उत्साही साहब कहते हैं, धर्म मेरा इस्लाम है भारत जन्म स्थान, वजू करूं अजमेर में काशी में स्नान, ये भावना कहां गई। और ये इनमें ज्यादा दरार तो इन राजनीति वालों ने डाली है, पॉलिटिक्स करते करते इन लोगों को बहुत बहुत दूर कर दिया। एक नहीं है क्या, तो मुस्लिम समुदाय को अच्छा नहीं लगा कि हमारा फकीर राम कथा सुने, और रोते थे बाप जब पंडित के मुख से शब्द निकलते। कंदर पर अगणित अमित छवि नव अमित छवि नव नील नीरद सुंदर नील नीरद सुंदर जाते थे मुस्लिम संघ, विरोध बढ़ा। अब इस्लाम धर्म को मानने वाले इतने पहुंचे हुए फकीर थे वसाली साहब कि उसको कुछ कह नहीं सकते थे, तो सोचा पंडित को ही मार दिया जाए, न बजे बांस न बसे
बांस न बजे बांसुरी, ऐसा कुछ हो जाए। तो निर्णय किया कि पंडित की बोली बंद कर दी जाए। उसी की शब्दों ने इस महा फकीर को आकर्षित किया। अब पंडित जी को पता लगा, मैं संक्षेप में कह दूं कि ऐसा कुछ होने वाला, और उनकी तो आजीविका थी कथा गान, सोचा कि मार देंगे तो पोथी पत्ते लेकर चले गए गांव। रोज समय पर यह अलमस्त फकीर 24 घंटे बामुश्किल बिताते थे। कब वो समय हो, कब वो पंडित के मुख से वो परमात्मा का रूप का वर्णन सुनूं। एक दिन, दो दिन, सप्ताह बीता, इधर उधर देहातियों को पूछा भी, चरवाहों को पूछा कि पंडित जी क्यों नहीं आते, जो गांव के पादर में बाहर वो कथा कहते थे। बोले, बाबा आप रोज दूर से कथा सुनते हैं ना, तो आपके लोगों ने उसको धमकी दी कि मार देंगे। तो बेचारे चल, ओ कहाँ रहते हैं वो, वहाँ। और वसाली साहब पंडित को खोजने निकले। आते हैं उनके गांव, मिल गए पंडित जी। वसाली साहब, आप, हाँ पंडित जी, ऐसा नहीं करते, मझधार में रखकर मत जाया करो, ये अच्छा काम नहीं है। आप राम कथा के गायक हो, आप कथा गान क्यों रोक दिया आपने? बोले, बाबा ऐसा था, क्या करूं, नहीं गाओ, मुझे सुना, रो पड़े। आप निर्भय होइए। पंडित ने कथा सुनाई, मौज आ गई महात्मा को, संकल्प सिद्ध पुरुष थे। अब पंडित जी तो बेचारे अपनी गुजारा चला रहे थे, तो बाबा ने कहा, बोलो पंडित जी क्या तुम? बोले, बाबा ऐसा मांगना तो ठीक नहीं, लेकिन 20 साल हुई है, बच्चा नहीं है, पत्नी रोज कहा करती हैं, रोज कथा कहते हो, और कभी प्रभु से मांगो, भगवान को मैंने देखा नहीं, भगवान के बंदे को आपके रूप देखा है, यदि कुछ दे सकते हो तो दुआ करो। वसाली के मुख से निकल गया, पंडित जी आपके घर मालिक करे पुत्र जन्म हो। अस्तित्व का विधान बदलना पड़ता है सत्य के उपासक के वचन पर। सत्य, फिर एक बार मैं पतंजलि को याद करूं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्व। बोल पर भरोसा था। साल डेढ़ साल के बाद पंडित के घर पुत्र जन्म हुआ। पत्नी बहुत रोई खुशी से, दोनों ने मनोती मानी थी कि यदि बाबा के वचन पर पुत्र हो तो बेटा 1.25 साल का होगा, तब बाबा के चरणों में प्रणाम कराएंगे। दिन दुना रात चौगुना, ये तो कृपा प्रसाद था। बड़ा सुंदर पुत्र है। माता पिता बहुत दुलार से पाल रहे हैं। अब वसाली साहब को भी राम की लगन ऐसी लगी कि सोचा कि ऐसे घूमता रहूं, इससे बेहतर है कि जहां राम जन्मे उसी अयोध्या चला जाऊं। और वसाली के पैर चल पड़े श्री अयोध्या धाम। मंदिरों में आरती गूंजती थी, कई जगह राम कथाएं हुआ करती हैं अयोध्या में, और सरजू के तट पर वसाली साहब ये पंडित के गाये विनय के पद को गुनगुनाता रहते थे, घूमते रहते। यहां पंडित ने तलाश की कि साहब वसाली साहब नहीं दिखाई दे। साल हुई, 1.25 साल होने की
अवधि बेटे को बाबा के पैर छुआने हैं, मनौती पूरी करनी है। अब कहाँ खोजे फकीर को, हद में चले सो औलिया, बेहद चले सो पीर, हद अनहद दोनों चले उनका नाम फकीर। कहाँ खोजे परिव्राजक को, कहाँ खोजे। तो पंडित जी को लगा, किसी ने कहा कि भाई राम प्रेमी कहीं न दिखाई दे तो कभी न कभी अयोध्या मिल जाया करते हैं, तो तू वहां जा। सवा साल के अपने पुत्र को लेकर पंडित दंपति अयोध्या, कोई मंदिर नहीं छोड़ा बाबा को खोजने में। बिथी बिथी अयोध्या की गली गली में घूमे पंडित। एक सप्ताह बीत गया, कहीं पता नहीं। सोचा सरयू के तट पर जाकर वो ही पद गांव यदि कहीं होगा तो दौड़ा आएगा। नवमी सरयू के तट पर अपना हारमोनियम लिए बैठा है, सवा साल का सुंदर बेटा खेल रहा है बालू में, पत्नी सुन रही है। आज राम दर्शन नहीं चाहिए पंडित को, फकीर के दर्शन चाहिए, वो भी अवध में गा रहे। यहां सूरज डूबने को है, हर मंदिरों में संध्या आरतियां हो रही हैं, पंडित जी का गान शुरू है, पद पूरा हुआ, आखिर में गाया इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन पद पूरा किया। पंडित की आंखों ने फिर खोज शुरू की है और ये अंतिम शब्द रसाली साहब को सुनाई दिए सरजू के तट पर। ओ ये तो हमारे पंडित जी की आवाज है, मैंने बोल दिया था आपके घर पुत्र हो, खुदा ने मेरी बोली सही की होगी कि नहीं, मेरा वचन विफल तो नहीं होगा। बेचारा कितना उदास हो गया होगा यदि पुत्र नहीं हुआ। और ये स्वर तो उनका है, अंधेरा बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और वसाली साहब पंडित को खोजने निकले, कुछ ऐसा हुआ आज तारों को ढूंढने के लिए चंदा निकल पड़े, चंदा को ढूंढने के लिए पहले तारे निकल पड़े, पत्नी पति और बच्चा आज राजा राम राम राजा राम राम राम। हमारे बहुत बड़े रामायणी जी साकेत वासी बिंदु जी महाराज का ये प्रसिद्ध कीर्तन है, यही कीर्तन उनका था। राजा राम 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 राजा राम राम राम।
राजा राम 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 राजा गाते गाते निकले हैं पंडित को खोजने और पंडित ये आवाज सुन गए और सोचा कि ये आवाज तो बाबा की है। थोड़ा वो चले थोड़ा ये चले, फकीर की बूढ़ी आंखों ने पंडित को देखा, पंडित की खोजी आंखों ने बाबा को देखा, दौड़े दोनों। वो पंडित की पत्नी अपने बालक को लेकर दौड़ी और जैसे थोड़े निकट गए तो पाया ये तो वसाली बाबा है। दोनों गिर पड़े और अपने बच्चे को जैसे किसी देव के चरणों में कोई फूल फेंके ऐसे सवा साल के बेटे को फेंक दिया। बाबा ये तेरी प्रसादी, कहाँ थे आप? पुत्र दे और तुम चले जाए तो हमको अच्छा नहीं लगा, कहाँ थे? अरे पंडित जी आप, गले में कहा आपकी कृपा प्रसाद। बालक को गोद में लिया, सिर पर हाथ दिया, प्यार किया, दुलार किया। मालिक दीर्घायु करे, बड़ा प्यारा आपकी जो कृपा है। बाबा मैंने आपसे पुत्र की मांग की, आपने पूरी की, अब कुछ आप मुझसे मांग करके मुझे ऋण से मुक्त कर। पंडित ने कहा, तो बोले मेरी एक मांग है। क्या? इसी जगह पर बैठकर 9 दिन मुझे राम कथा सुना। वर्णानामर्थ संगानाम रसान शुरू हो गया कथा। छंद सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थविश्वर। गान शुरू हुआ चौपाइयों का, पंडित दिल खोल कर कथा कहने लगे। बंदरु गुरु पद पद परा सुरुचि सुवास सरस गण बस अरे
नौ दिन हृदय से गान हुआ। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमांबु पूरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्या ये संसार पतंग घोर किरणे दहयन्ति नो मानवाः। उत्तरकांड पूरा करते हैं। बहुत रोए वसाली साहब। अब कहा पंडित जी आपने कथा सुनाई, दक्षिणा मांगो। बोले बाबा आप जैसे पहुंचे हुए फकीरों से भौतिकता नहीं मांगी चाहिए, मैंने भूल की मैंने आपसे पुत्र मांगा और आपको कितना बंदगी में कष्ट हुआ होगा। अब एक ही इच्छा है गुरु दक्षिणा की, क्या कि मैं जिंदगी में कभी किसी से कुछ भी न मांगू, ऐसी दुआ कर। एवं अस्तु, ऐसा ही। अब पंडित बोला है बाबा मैंने मांगा सो दिया, लेकिन आपने हम गरीब दंपति को पुत्र दिया है, मेरे से कुछ मांगो मेरी तसल्ली के लिए। माँ बाप रो पड़े तो बच्चा भी रो पड़ा, तीनों के आंसू ने फकीर को ढीला कर दिया। मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा बाबा, कुछ मांगो। पंडित जी दोगे? ईश्वर आपको दीर्घायु करे, लेकिन मेरा जहाज अब किनारे लग चुका है, अब मैं अवध छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि यत गत्वान निवर्तन्ते, वहीं जहां से लौटा न जाए ऐसी जगह में पहुंचा। कब मुझे जाना हो कब बुलावा आए, अब मैं बहुत नाचो गोपाल। बाबा ऐसा मत बोलिए, संसार में बाप रामायण में लिखा है चार प्रकार के दुख है, कालजन्य, गुणजन्य, कर्मजन्य और स्वभावजन्य। इनमें कालजन्य जो दुख है यानी मृत्यु, उसमें केवल आदमी का विवेक ही उसको स्वस्थ रख सकता है और कोई स्वस्थ नहीं, बड़े बड़े कांप जाते हैं स्वस्थ। मैं रामायण में दृष्टि डालता हूं तो कालजन्य सुख पर यदि विवेक किसी को दिखाई, दशरथ को भी इतना विवेक नहीं दिखाई दिया। एकमात्र मेरी आंखों में आता है रामायण का पात्र गीधराज जटायु, कालजन्य दुख की निवृत्ति उसने अपने परम विवेक से की। भगवान ने उसको कहा मैं तुम्हें अमर कर दूं, मुस्कुराया, जल भरी नयन का रघुराय। उस समय मरते समय जटायु हंस रहा है और ईश्वर रो रहा है, क्रिया उल्टी हुई। मरने वाला रोता है, काल हंसता है, जटायु के प्रसंग में काल रो रहा है और मरने वाला मुस्कुरा रहा है। विवेक, भगवान बहुत दबाव डालते, थोड़ा जियो। मेरे जान अब कछुक, मेरे जाने तात कछुक दिन अब जीजे, मेरे मानने में हे पिताजी हे जटायु जी कुछ दिन जियो। देखो मोर सुवन सुख, मैं कैसे सेवा करता हूं, तुम्हारे बेटे की सेवा तो देखो, मैं पैर दबाऊंगा। राघव कह रहा जटायु जी मेरी, हम आपके चरण दबाएंगे, सुवन सुख दीजिए, मुझे पुत्र का सुख दीजिए।
और आप मोही पितु सुख दीजिए, बाप बेटे से कैसा प्यार करते ऐसे आप। जटायु ने कहा, नहीं महाराज, आप कहते हैं कि जीवन के चार फल मिलते हैं, मेरी मृत्यु ने मुझे चार फल दे दिए, अब आप कहें तो जीवित रहो, चारों फल मिल गए, धर्म मिल गया, क्योंकि धर्म की परिभाषा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करना। मैंने जानकी को बचाने के लिए जान दे दी, परहित का धर्म सिद्ध हो गया। अर्थ, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं प्रभु, लेकिन मेरा अर्थ सिद्ध हो गया। गीतावली रामायण के भाव बता रहा हूं, मेरा अर्थ सिद्ध हो गया। कैसे? बोले सच्चा व्यापारी वो है कि कम लगाए और ज्यादा प्राप्त करे। महाराज, मैं मांस भक्षी आज मुक्ति पा रहा हूं, ऐसा व्यापार कौन करेगा? दिया कम पाया बहुत, अर्थ पाया मैंने, काम पाया आज मैंने। कैसे? बोले बाबा मेरा देह तो देखो बूढ़ा जटायु पक्षी, ढंग कोई नहीं, आपका रूप हरि रूप धारण करूंगा, काम सौंदर्य प्रेमी होता है, आपका रूप मुझे मिलेगा, मेरा काम सिद्ध हो गया, और मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी तेरे दर्शन करते करते जीवन मुक्त हो गया। विवेक ही काल जन्य दुखों से बचाता है। मोरे जाने तात अब कछुक दिन जीजे, मेरे कहने पर थोड़े दिन जी जाओ, और मुझे हद है ना, हद है। ब्रह्म कहता है मुझे पुत्र के रूप में आपकी सेवा का अवसर दो, सेवा का अवसर। दशरथ ने राम को गोद में रखा था, दशरथ को राम ने कभी गोद में नहीं रखा, लेकिन एक जटायु ऐसा बाप निकला कि आज राम ने जटायु को गोद में रखा। दशरथ जी की मुक्ति नहीं हुई, वो तो सुरलोक गए, राम राम बोले तो भी राम गए सुरधाम, भेद भक्ति ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। और इस आदमी को जीते जी मुक्ति पर, जिसको विवेक हो जाता है वो काल जन्य दुख से नितांत मुक्त हो। रसाली साहब परम विवेकी है, कहा पंडित जी रो मत, नहीं बाबा आप मरने की बात मत करें। बोले मेरा बुलावा आए बस इतनी ही देर है, निर्णय है पंडित जी, सोचो चिंता मत करो। आपने कहा है मांगो, ऋण से मुक्त होना चाहते हो तो एक बात दो पंडित जी से, पास वसाली साहब मांगते, क्या दो? पूरा करोगे भगवान आपको बहुत दीर्घायु करे, आपको बेटे को बहुत प्रसन्न रखे, कुशल रखे, दीर्घायु करे, सब गुणों से परितुष्ट करे, आपकी पत्नी प्रसन्न रहे। तो क्या मांग रहे, क्या दूं? मैं दे सकूं ऐसा मांगना, तुम दे सकोगे क्या? पंडित जी मेरी मृत्यु होने के बाद प्रत्येक साल की चैत्र नवरात्रि में मारी मजार पर राम कथा का गान करना, मुझे जहां दफना दिया जाए वहां ना, डरना मत किसी से, व्याख्या करने की जरूरत नहीं, 9 दिन में मानस का पाठ मुझे सुनाना, मौज आ जाएगी तो मजार से जवाब दूंगा। मेरे भाई बहन में कहना चाहूंगा, आज भी अयोध्या में जलालुद्दीन वसाली साहब की मजार है, जब तक पंडित जीवित रहा अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी को लेकर, नवमी जय जय
ऐसा है मेरे अवध का शहजादा रघुवर राम भद्र। जब तक पंडित जी जीवित रहे कोई चैत्र नवरात्रि उसने छोड़ी नहीं बाबा की मजार पर राम कथा गाए बिना। मैं ये कहने चला उनके सुंदर रूप की भी महिमा है जो बड़े बड़े पहुंचे हुए फकीरों को भी आकृष्ट करता। किसके हुस्न का ये जिक्र होता था जिसके कारण वो लुभे, तो उसकी महिमा है। श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य कहते अधरम मधुरम वदनम अधरम मधुरम, तुम्हारे ओठ बहुत सुंदर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। बहुत सुंदर है प्रभु, तो उनके रूप की जरूर विशिष्ट महिमा है, लेकिन उसी की ही कामना में हमारे सामने उनके बिलग बिलग रूप जो नजर पड़ रहे हैं उनका अपराध मत करें। और ये रूप जब हमको मिला है राम के रूप में, सीता के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, तो इस रूप के साथ व्यवहार धर्म निभाने में जरूरी है अविरल भक्ति, वीरति, सत्संग और अभंग प्रीति। इसलिए कुंभज को तीनों मिलने के बाद भी ये चार चीज मांग रहे हैं, ये हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अविरल भक्ति, वीरति, सत्संग, चरण सरोह प्रीति अभंगा, सरोह प्रीति अभंगा, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनुभव गम्य भजगी जेहि संता असत अवरूप बखान जानम सगुण ब्रह्म रति फिरी फिरी सगुण ब्रह्म रति माना। तो कल के निवेदनों का अनुसंधान करे बाप, कुंभज जी ने कहा प्रभु आपका जो ब्रह्म रूप अखंड अनंत है, आपके रूप को मैं बखानता हूं और जानता भी हूं, फिर भी बार बार मेरा मन आपके सगुण रूप की ओर मुड़ जाता है। मेरी यह स्थिति है, वहां तक कल कुछ दर्शन हुआ, अब आगे बढ़े। संतत दासन दे रघुराई।
परम मनो भक्तों को, दासों को, सेवकों को, आश्रितों को, शरणागतों को संतत बढ़ाई देते हैं, ये आपका स्वभाव है। इसलिए आप मुझे पूछ रहे कि मंत्र दो, मैं क्या करूं, ये आपका स्वभाव है। दास को निरंतर बड़प्पन देना, ये आपका स्वभाव है। बहुत बड़ा सूत्र है। परमात्मा दास को निरंतर बड़प्पन देता है। मोते संत अधिक करी लेखे, ये बड़प्पन देने का सूत्र है। तो ईश्वर जीव को निरंतर बढ़ाई दे। अब बढ़ाई कोई नहीं, कौन नहीं चाहता, नहीं चाहते हम बढ़ाई कि कोई हमारे लिए कुछ अच्छा बोले, कहीं नागरिक अभिनंदन हो, कहीं ये हो, कहीं ये हो, कौन नहीं चाहता। तो दुनिया अभिनंदन करे वो तो ठीक है, लेकिन परमात्मा अभिनंदन करे, और वो भी कोई एक समारंभ नहीं, संतत। ऐसा सम्मान प्रभु हमको दे, ऐसी यदि किसी की कामना है तो एक ही शर्त है, दास हो जाओ। अब आप कहें दास की परिभाषा क्या, दास की सबसे पहली परिभाषा है उदास न रहना, दासपना है। प्रभु का दास जो है वो कभी उदास नहीं होता। हमारे वो गिरिवर बापू तलाजा वाले, ओके, हरि शिव का दास कभी ना उदास, ऐसा क्या। पहली परिभाषा दास, परमात्मा से संतत बड़प्पन यदि कोई चाहता है तो दास होना, और दास होना माने रोते रहना, निरंतर हाथ जोड़े बैठना, कांपते रहना, हुजूर हुजूर, नकली विनम्रता नहीं। मैं दास हूं, मुझे सेवा मिले तो मुझे प्रसन्नता है, लेकिन शायद मेरे दाता ने मुझे सेवा न दी तो भी मैं दास हूं, उदास नहीं होऊंगा। मुझे सेवा न मिली, मेरे सामने न देखा, मुझसे बात न की और उदास हो गए, तो समझना तुम दास नहीं हो, तुम वासना युक्त हो। तुम्हारी कोई कामना है कि मेरी बात सुनी जाए, हमको ये सेवा मिले। दास वो है जो उदास न हो। और मैं भी आपको प्रार्थना करूं, बाप हम सब उदासीन होना अच्छा है, उदास होना अच्छा नहीं। उदासीन तो एक पंथ है हमारे देश का, बहुत बड़ा अच्छा उदासीन पंथ, जो आदेश आदेश उदासीन पंथ की बड़ी महिमा है। हमारे राम जी को कई माने उदासीन बनाए, उदासीन दीक्षा दी। तापस बेश विशेष उदासी चौदह बरीस राम बनवास। ये अच्छा था गुप्त साहब का, वृक्ष सदा आदिवासी है। हा? कितने ही जमाने बीत गए लेकिन वो मॉडर्न नहीं हुए। बड़ा सुंदर विचार था। अभी पत्ते पहनते हैं, अभी उसी में रहते हैं, अभी ऐसे ही ना लेते हैं, ऐसे ही खाना खा लेते हैं हवा के माध्यम से। आदिवासी है, बड़ा अच्छा।
कहने का अभिप्राय बाप, उदासीन का मतलब है हर्ष और शोक दोनों से दूर रहना। हवाई जहाज एयरपोर्ट में होता है और खिड़कियों से हम देखते हैं तो सब दिखाई देता है कि कोई कार लेकर जा रहा है, कोई सिग्नल दे रहा है, कोई कुछ, ये सब, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, एयरपोर्ट की बड़ी बिल्डिंग है, इधर रनवे, ये सब दिखाई देता है, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा सब। एक देहाती पहली बार हवाई जहाज में बैठा, पहली बार बैठा, पूरी फसल जो पकी थी उसका सब कुछ था प्लेन की टिकट में दे दिया और खिड़की से देख रहा था, कहने लगा बगल वाले को, हाँ कितना ऊंचा चला गया कि इंसान चींटी की तरह दिखाई दे रहा है। उसने कहा चींटी ही है, अभी उड़ा ही नहीं है, चींटियां ही दे। जैसे जैसे हवाई जहाज उठता है सभी भेद मिटने लगता है। जितना ऊपर उठा फिर न पाकिस्तान रहता, न हिंदुस्तान रहता, न चीन रहता, ये रहता। जितना ज़्यादा साधक भजनानंदी होकर अपने आप को जितना ऊंचाई पर ले जाता है सभी भेद छूट जाते हैं, उसको कहते हैं उदासीन। मतलब उदासीन जो बहुत ऊपर चला गया और स्पेस में चला जाए उसके लिए तो कोई भेद नहीं बचेगा। उदास रहे वो दास नहीं, बस पहला सूत्र। बाबा ने मुझे याद करके कहा कि आज की सेवा उसको नहीं मिलेगी, मैं क्यों नाराज हूं, क्योंकि मेरा नाम बाबा के मुख से निकला। हर हाल में उदास मत होना, यदि दासत्व को रखना है पक्का तो। दूसरी बात, दास ये मेरी समझ में तो कहूं आपको मानने की जरूरत नहीं है, दिल में बैठे तो मानना, ना बैठे तो कोई बात नहीं, चांस तो लो, अनुभव तो करो। दूसरा है, कितनी ही सेवा करें फिर भी अपने मालिक से, अपने सेव्य से कोई आस न करे, उन्हीं का नाम है दास। हमने इतनी सेवा की, मंदिर बनाया बाबा ने तो हमने इतना चंदा एकत्रित कर दिया, अरे एक ट्रक सीमेंट भेजा, 8 दिन वहां खुद रहे, फिर भी बाबा ने कोई हमारे घर 5 मिनट भी नहीं आए, आस रखी तो दास गया। इसलिए रामायण में लिखा है, सेवा धर्म कठिन जग जाना, 1 लाख रुपये देकर आप दाता बन सकते हैं, सेवक नहीं बन सकते। दातार बनना आसान है, सेवक बनना, सेवा धर्म बहुत कठिन है। तुलसी कहे सेवा धर्म कठिन जग जाना, बहुत कठिन। तो उदास न हो सो दास, कोई आश न रखे, अपेक्षा न रखे वो दास। तीसरा, पद की इच्छा नहीं जिसको, एक ही इच्छा है और वो कभी मिले तो पादुका मिले, वो दास। पद की नहीं, पादुका, शरणागति, वो दास का लक्षण, दासत्व। बड़ा अद्भुत स्थान है। अयोध्या के राज्याभिषेक में हनुमान जी को भगवान राम ने कहा कि तू भी कमाल है। बोले क्या प्रभु? कि तेरे कारण सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, तू चाहता तो तू ले सकता, लेकिन वो तूने सुग्रीव को दिलवा दिया वो पद, हद है। और तेरे कारण तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाई राजपद दिन्हा, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारे माध्यम से विभीषण लंकेश हुआ, चाहते तो वो पद भी तुम ले लेते, और अब आया अयोध्या का मामला तो वो पद हमको दिलवा दिया। तूने एक भी पद कबूल नहीं किया हनुमान। हनुमान जी ने कहा बाबा मैं बड़ा लोभी आदमी हूं,
मुझे एक पद से तसल्ली नहीं होती है, मुझे तुम्हारे दो पद चाहिए। और वो गिने तो तीन है, किष्किंधा का पद, लंका का पद, अयोध्या का पद, वो तीन है। मैं घाटे का सौदा नहीं करना, मैं चार पद चाहता हूँ, दो मेरी माँ के पद सीता के, दो आपके, मुझे चार पद चाहिए। वो दास है, दासो हम कौशलेंद्रेश, मैं कौशलेंद्र का दास हूँ, ऐसी घोषणा उसने अपने परिचय में रावण के सामने की है, मैं दास हूँ। अपने मालिक की कभी उपहास न करे, उनका नाम दास। गुरु से विनोद करो, लेकिन गुरु को बीच में रखकर उसकी गिल्ली मत उड़ाओ। गुरु का उपहास दासत्व का अपराध है। कई लोग गुरु का उपहास करते हैं, हमारा गुरु है ना इधर। हाँ, मैंने कल भी कहा कि श्रेष्ठ हैं वो छोटो छोटो से विनोद करते हैं, उनमें उनकी श्रेष्ठता है, लेकिन उनकी उपहास न किया जाए, उनकी मजाक न की, उनसे बातचीत में विनोद करो, बात और। अब बनारसी बोली में तो लोग पान खाते खाते कहते, मित्र को भी कहते, ए गुरु जरा जूते ला तो ले, गुरु जूता लाता है। हमारे देहातों में ऐसा होता, मैंने देखा है देहातों, हमारे गुरु है ना बहुत अच्छी चाय बनाते, गुरु बाबा तुम चाय बनाओ, गुरु चाय बनावे चेला पिए। अब गुरु तो गुरु है, महान है तो बना भी दे, लेकिन उपहास के रूप में कोई कहे कि गुरु को लगा दो काम में तो ठीक है। उपहास गुरु का करे तो दासत्व, गुरु बार बार समझाएं तो भी चेला उपवास करे तो दास नहीं। गुरु का भी उपवास करने की जरूरत। रमण महर्षि के पास वो बहन जी रहती थी, युवानी में उनके पति की डेथ हो गई, बड़ी धनी थी, और इतना व्रत करे इतना उपवास करे कि शरीर क्रूश हो गए। सब लोग समझाएं, एक दिन सभी ने रमण महर्षि को कहा कि ये स्त्री बहुत उपवास करती, समझाओ ना, किसी की मानती। एक बार बाबा ने भी कोशिश की, इतना उपवास करने की क्या जरूरत, तो भी कहा बाबा करने दो ना। तब बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति निकाली, रमण महर्षि उसने, और वो सुंदर ठंडी पवन शीतल सुगंध वायु बह रही थी, उसी समय बाबा ने एक पंखा उठाया, बोले ये चंदन वृक्ष से छूकर हवा आती है, उतनी खुशबू से भरी हवा आ रही है, और इतनी हवा आती हो ऐसे समय हाथ में पंखा लेकर जलने की जरूरत है? नहीं बाबा, सच कबूल करती है? बोले हाँ, तो मैं तेरे पास बैठा हूँ, अब तुझे उपवास की क्या जरूरत। उसी दिन उपवास छोड़। गुरु कहे कि उपवास की जरूरत नहीं, फिर भी कहे नहीं 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 करना पड़े, तो तुम और जो हो दास तो नहीं। आज्ञा सम न सुसाहिब से। मैं फिर एक बार दोहराते आ जाऊँ, भजन करना है, प्रभु को पाना है, तो बहुत उपवास के दाम पर वो नहीं मिलता। उपवास ना मूल्य ऊपर तो चिड़ियों स्वभाव मर से, हर एक व्यक्ति पर चिड़चिड़ करोगे नहीं जरूर। फिर भी आप यदि सावन महीने के उपवास करते व्रत करते, उस श्रद्धा पर मैं प्रहार नहीं करना, लेकिन इतना मत करना, ये कलयुग है। बुद्ध ने इतने उपवास किए तो वो नदी को भी तैर नहीं पाए, चल नहीं पाए, और सभी उपवास छूटे, उसी दिन ब्रह्म बोध हुआ बुद्ध को। इसका मतलब ये, कई लोग हैं बस शरीर, मैंने तो देखा है बहुत उपवास करने वाले के चेहरे पर मैंने कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। वो व्रत कौन कामना जिस व्रत के पौधे पर मुस्कुराहट के पुष्प न खिले, क्या क्या जरूरी है, मैंने देखे।
एक जगह एक महापुरुष ने इतने तप किया, एक साल तक, इतना एक एक लाख लोग दर्शन में मैंने अपनी आंखों से देखा बेंगलुरु में, बड़े तपस्वी, तपस्या को तो नमन, सवाल ही नहीं, केवल थोड़ा पानी पीते थे। मेरे पास उनके लोग बार बार आए, बापू हमारे गुरु ने इतनी, मैंने कि मैं अखबारों में पढ़ता हूँ, बड़े बड़े होल्डिंग लगे, मैं सुनता हूँ, धन्यवाद। बोले बापू एक बार आप आओ, आप आओ, तो बहुत आग्रह किया, तो मुझे लगा कि इतना उपवास और तप किया, उनके चेहरे को देखने की मेरी इच्छा हुई कि मैं उसको देखूं कि क्या बात है। मैं गया, सही में लाख डेढ़ लाख लोग रहते थे पंडाल में, कोई किसी की सुने ना, जय जयकार, प्रवचन करने वाला प्रवचन करे, चलने ऐसा सब मेला जैसा लगता। तो मैंने मंच पर मैं गया तो कई महापुरुष बैठे थे, मैं खोज रहा था कि वो कहाँ है जिसके लिए हम आए। तो मैंने पूछा भाई, मेरा माउन था इशारा करता, बोले पीछे बैठे, तुम तो ले जा ना, पीछे ले जा, आगे क्यों लाया। बोले अभी नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा तू क्यों बुलाया हमको, वो हमको न मिले लेकिन हम उनको मिल सकते हैं, मिला दो ना। जाकर पूछा तो वहां से जो परिकर लोग होंगे कहा कि मुरारी बापू आए, आने दो, मेरे पास पांच सात व्यक्ति गए। मैं खोज रहा था कि मुस्कुराता हुआ कोई महापुरुष होगा, लेकिन मैंने देखा मुरझाया हुआ आंखें, और हमारे सामने ऐसे देखा कि मानो हमने कोई गुना। अरे मैंने कहा खाक उपवास किए, खाक उपवास किए। जो व्रत हृदय को खिला न दे, अब देखिए, अब उनके लिए तो वो महिमा है, प्रणाम है, मेरे कोई उसकी वो नहीं है, वो जाने, लेकिन मेरे विचार ये है कि भाई ऐसा क्यों करते। एकादशी का एकादशी शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम, वैसे मैं एकादशी नहीं करता, पहले करता नहीं था, बीच में मुझे लगा कि चलो शुरू करें तो कुछ एकादशी की, लेकिन मैं सच कहता हूँ जब मैं वैसे कुछ न खाऊँ ना, मेरा गान मेरा आहार है, सच में मुझे बहुत खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी शरीर के लिए जितना पोषण चाहिए खा लेता हूँ, नहीं खाता है बरो स्वाद से खाता हूँ, भजिया खाओ तो तुम जो लेकिन मैंने प्रयास किया कि मैं कभी किसी को नहीं कहता कि एकादशी का व्रत करो, कभी मैंने नहीं कहा, मेरा रिकॉर्ड बोलेगा क्योंकि मैं नहीं करता था। फिर मैंने बीच में शुरू किया कि चलो करे भाई, लोगों को प्रेरणा मिले, एक दिन भूखे रहे थोड़ा तो शरीर भी ठीक रहे, तो कोशिश की, लेकिन सच में जब भी एकादशी आती दशमी से मुझे चिंता होती थी, दशमी से नबड़ाई शुरू हो जाती थी, अरे रे कल एकादशी, एक कहाँ से आई तू, किस लोक के वासी हो तू, किस भुवन से आई। और एकादशी के दिन तो सच में इतनी खाने की इच्छा, वैसे मुझे कभी ऐसी इच्छा नहीं होती, मैं आप जो दो एक पात्र में लेकर स्वाद लेकर खा लेता हूं, सब मिल जाता है, फिर भी मेरा स्वाद, मेरा विवेक उनको बिलक बिलक कर देता है, हर चीज को मैं एकदम अपने अपने ढंग से पाता हूं। हमारे शास्त्रों में लिखा है भिक्षा भाव से भोजन करना निरंतर उपवास है, भिक्षाहारो निराहार। लेकिन एकादशी के दिन इतनी भूख लगे और दूसरों को खाते देखूं, कितला वाग्या हजी तो सांझ पड़ी, काली रात केम वीत छे, ऐसा होता। मैंने कहा ये मन कुछ मांग रहा है और ऊपर ऊपर से उपवास करने का दंभ करने का
बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको मना नहीं करता, आप करते हो तो जरूर करें, इसमें मैं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एकादशी करो तब जागरूक रहो। लोग एकादशी को जागरण करते, जागरण का मेरा मतलब ये नहीं कि रात भर जागो, जागरूक रहो कि आज मुझे एकादशी है, मैं परिवार वालों पर क्रोध नहीं करूंगा, ऐसी जागरूक। एकादशी के दिन जागरूक रहो, मैं आज किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं आज किसी का द्वेष, मैं किसी की दोष नहीं निकालूंगा। अब एकादशी करने वाले एकादशी नहीं करते उनकी भूल निकालते, पापी है। हाँ, हरिश्चंद्र का अवतार है तू, ईश्वर के अस्तित्व में पाप पुण्य बिल्कुल नगण्य है, उनकी बहुत फिक्र मत करो, बुरा करे ना, लेकिन यदि हो जाए तो हरि नाम लो, एक विट्ठल का नाम पर्याप्त है पाप को धोने। मेरे पास एक प्रश्न है, एक तो ठीक है पूछा है तो कह दूं। बापूजी, कुछ समय पहले हमने सुना था कि एक कोई दूसरे मुरारी बापू है, फिर नासिक में दिखा कि कोई दूसरे आगे आगे कोई और नाम है मुरारी बापू है, फिर कोई तीसरे मुरारी बापू है। हमको बहुत दुख लगता है कोई हमारे बापू का नाम चुराए, तो ऐसा क्यों होता है? राजी हो ना कि बापू का नाम कितना प्यारा लगता होगा कि सब लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं। राजी हो कि मुरारी बापू के नाम से काम चल रहा है? बाकी मैं कथाकार जगत को विनम्रता से प्रार्थना जरूर करूं कि सफलता और उसका प्रेम तभी मिलेगा तुम अपने नाम से यात्रा करो, उधार नामों से कुछ होने वाला नहीं। मुझे भी कहीं पूछते हैं कई लोग, आप कौन मुरारी बापू? मैं कहता हूँ मैं मूल मुरारी बापू। अब क्या करूँ, लेकिन इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं, होता है सर, इसमें क्या नाराज होना सर, उधर अंत हो ही नहीं बापू। बापू, कल आपने कर्मनाशा नदी की बात कही, संत लोग स्नान नहीं करते। बापू, हम कर्मनाशा नदी में स्नान पान दोनों करते तथा उन्हीं के जल की खेती होती है, उन्हीं का अन्न पाते। बापू, हम क्या करें? जरूर करो, क्या करें मानी, उन्हीं का अन्न खाते हो, जल पीते हो, तो स्नान करो। शास्त्र के वचन के अनुसार कर्मनाशा में स्नान करने से कर्म का नाश होता है, तो डरो मत। अब पूछा, क्या बापू आप भी राक्षस ताल के में स्नान कर चुके हैं, तो कभी कर्मनाशा में स्नान करेंगे? मौका मिला तो जरूर करूंगा, मुझे कुछ जल जाए मिट जाए कोई फिक्र नहीं है, मेरी एक चौपाई बनी रहे इतना पर्याप्त है। क्या कर्म, ऐसे कर्म से छुटकारा मिल जाए तो, शंकराचार्य महाराज कहते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम। अरे कबीर साहब, काशी में लोग जाते हैं घूम घूम कर मुक्ति के लिए, और कबीर साहब मरने का अवसर आया तो मगहर चले गए। कर्मनाशा में हाँ, शास्त्र वचन जरूर है कि भाई पुण्य नाश हो जाए, जिसको पुण्य बचाने हैं वो ना जाए, जिसको कर्म बचाने हैं वो ना जाए, लेकिन आप डरना मत, जरूर ना हो, उनकी खेती से अन्न खाते हो तो वो तुम्हारे लिए कर्म नाशा नहीं है। और मुझे मिला अवसर तो मैं वादा नहीं करता, लेकिन जाऊंगा, जरूर ना आऊंगा, मुझे क्या तकलीफ है, मैं शाही स्नान करूंगा वहां, इन लोगों को लेकर कभी मौका मिला तो जाएंगे। इसमें क्या, डरो मत धर्म से, एक ही बात, डरो। तुम कितने बिरू होते जा रहे, फला ग्रह तकलीफ देगा, फला ग्रह तकलीफ, मानो ग्रह ने तुम्हारे ऊपर ही कैमरा रखा है, इतने क्यों डरते? क्या होगा, क्या होगा? अस्तित्व बड़ा कृपालु है बाप, बड़ा कृपालु। भगवान की मूर्ति पत्थर की नहीं बनती,
भगवान की मूर्ति सोने की, भागवत जी में मूर्तियों के विभिन्न प्रकार बताएं कि ऐसे ऐसे बालू की, मिट्टी की, धातु की, ऐसी ऐसी मूर्तियों की बातें, लेकिन तुलसी को पूछो तो भगवान की मूर्ति केवल कृपा से बनी हुई होती है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, वो बड़े कृपालु। इससे डरो मत। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि युवान भाई बहनों को तो खास डरना मत धर्म से। धर्म यदि डराए तो फिर कौन अभय देगा, कौन अभय देगा? कर्मनाशा भी उसने बनाई है। वो कर्मनाशा तुम्हारा अन्न तो नहीं जला देती है, अन्न पकाती है तुम्हें। वहां रहते हो उनको कोई तकलीफ नहीं, ये जो हमारे जैसे दूर रहते हैं उनको तकलीफ होती है। और मैं भी जाऊंगा तो वादा नहीं करता, लेकिन कभी गए तो डुबकी लगाएंगे, हमें क्या तकलीफ है। कर्मनाशा हो, कोई भी हो, पानी स्वच्छ हो और घाट अच्छा हो, डुबकी मार देंगे। कर्म का जो हो ना हो, अब कौन कर्म का पूछे। मैंने अभी कहा ना, काल जन्य दुख एक, दूसरा कर्म जन्य दुख है। तो नहाने से कर्म मिट जाए तो दुख भी मिट जाए। कर्म मिटा तो दुख, क्योंकि ये कर्मजन्य दुख है। रामायण में कर्मजन्य, मैंने कालजन्य दुख का जटायु दृष्टांत दिया, उसका विवेक एकमात्र उपाय, और वो जटायु में था। कर्मजन्य दुख का क्या उपाय? कर्मजन्य दुख का एक ही उपाय कि कर्म भोगने की हिम्मत, फल भोगने की। एक जन्म नहीं तो जन्म जन्म लूंगा, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं दे जो बर मांगू जेहि जोनी जन्मो कर्म बस तह राम पद। वाली की छाती देखिए, जटायु तो मुक्त हुआ, रावण मुक्त हुआ, लेकिन वाली कहता है मुझे मुक्त नहीं होना है, कर्मजन्य दुख का परिणाम मुझे भोगना। आप करुणा करो, अनेक जन्म लूंगा और वहां मेरे कर्मजन्य का दुख भोगूं, लेकिन इतनी कृपा करो कि आपके चरण में मेरी प्रीति बनी रहे। कर्मजन्य दुख। अब लोग मुझे पूछते रहते हैं, भगवान ने वृक्ष की आड़ में रहकर वाली को क्यों मारा, सामने क्यों नहीं आए? वाली को ऐसा वरदान था, उनके सामने जो जाए उनकी आधी शक्ति वाली में चली जाए। चलो, वाली के सामने जाकर कोई लड़े तो लड़ने वाले की आधी शक्ति वाली में चली जाए, माना। लेकिन ईश्वर सामने लड़ने जाए तो ईश्वर की शक्ति उसमें जा सकती है? ईश्वर अनंत है, अनंत को काटा नहीं जा सकता, अखंड का आधा पौना नहीं किया जा सकता। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंत, ईश्वर की शक्ति आधी नहीं हो सकती, क्योंकि वो अनंत है, अखंड ब्रह्म है, उसको काटा नहीं जाएगा, कौन काट सकता उसको? तो ये सूत्र राम को नहीं लागू होता कि सामने जाए तो शक्ति चली जाए इसलिए भगवान छिपे, नहीं। परमात्मा ईश्वर जो है, किसी के भी कर्म का फल संसार की आड़ में खड़े प्रत्यक्ष देने नहीं जाता। ये सूत्र है, यह कर्म का फल ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं देता। तुमने अच्छा किया तो लो तुम्हें ईश्वर राम जी आए फूल देने, और तुमने बुरा किया तो शंकर भगवान तुमको त्रिशूल लेकर मारने, ऐसा कभी नहीं। ईश्वर संसार रूपी वृक्ष की आड़ में छिपकर ही कर्म का फल का हिसाब करता है, वो प्रत्यक्ष नहीं आता, कर्म फल ऐसे ही देता। इसलिए भगवान पीछे खड़े रहे। रावण को मारते तो शीश उड़ा देते, वाली को मारा तो शीश नहीं उड़ाया, हृदय माज सरतानी, हृदय में मारा। क्यों? भगवान मानते हैं कि इनकी बुद्धि तो अच्छी है लेकिन हृदय में अभिमान है, मुझे वाली को नहीं मारना, उनके अभिमान को मारना। अचल करो तनु राखौ प्राणा, बालिका सुन कृपा निधाना। कर्मजन्य दुख जो है उससे मुक्ति मिलती है। दुख कर्मजन्य दुखों के फल भोगने का साहस, जहि जोनि जन्मो कर्म बस, लूंगा अवतार, मरूंगा, भोगूंगा, एक अर्थ ही है कर्मचन। तो कर्म नाशा में नहाने से कर्म ही मिट जाए तो बहुत फायदा है। उस समय में ये बात रही होगी, अब तो मुझे लगता है 21वीं सदी में तीर्थ भी नए प्रकट करने होंगे, नए तीर्थ निर्माण करने होंगे।
जहाँ कोई नाता नहीं वहाँ नहाना पड़ेगा। मैंने तो शुरू किया है राक्षस ताल से, मान सरोवर के पास राक्षस, इतना मान सरोवर भी शुद्ध नहीं है, जरा डोला जिसने देखा राक्षस ताल रावण जहाँ स्नान का, इतना स्वच्छ जल है देखते बने। और वहाँ नियम है राक्षस ताल में कोई स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि राक्षस ताल में स्नान करें तो उसके पुण्य खत्म हो जाते। और तिब्बतियन लोग डरते भी हैं, किसी को स्नान नहीं करने देते। मैंने संकल्प किया मुझे स्नान करना, तो चाइनीज सर गवर्नमेंट है वहाँ, उसके अधिकारियों को हमने पूछा कि भाई हमको, तो हमारे साथ साथ सब कैमरा लेकर चले कि स्नान करेगा क्या करेगा। अरे मैंने कहा स्नान करना है, चलो सबके पुण्य। मैंने कहा रामायण का गान करते करते पाप का नाश हुआ, अब थोड़े पुण्य बचे हैं वो राक्षस ताल में नाश हो जाए ताकि हम मौलिक हो जाए। क्या जरूरी है पुण्य, पुण्य क्या, मुझे तो खबर ही नहीं पड़ती पुण्य क्या है, मेरी समझ में नहीं आता पुण्य पुण्य क्या है। बच्चे को मुस्कुराओ पुण्य, तुम मुस्कुराते रहो पुण्य, किसी की आंख में आंसू न आए ऐसा कभी न बोलो पुण्य। आधी से आधी रोटी दूसरों को देकर प्रसन्नता महसूस करो पुण्य, क्या पुण्य। अभिलंच गुलालंच सुहासंदन देवच, ये सब कर्मकांड जरूर है लेकिन क्या। तो कर्म नाशा की जो बात आई तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं ना सकता हूँ कहीं भी, हमारी तो नरक में जाने की तैयारी है फिर क्या। ए हिसाब किताब कर, और नरक में भेजना हो तो नरक में जाएंगे, लेकिन इतनी छूट देना कि नरक में भी हम राम पारायण करें। आभूषण भाई आपने आपने न मारा थी क्यों है को, तो क्या नरक, रामायण में लिखा है सरग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनु बाना। हर जगह ईश्वर के पास धनुष बाण है, वो किसके, लकड़ी के हैं नहीं, लोहे के हैं कतई नहीं, नेत्र के हैं नहीं, सोने के हैं नहीं, चांदी के हैं नहीं, किस प्रकार का धनुष बाण राम जी रखते हैं। रामायण में जवाब दिया है उसका कि भगवान के हाथ में जो धनुष बाण है वो किस वस्तु के बने हुए, कोई बन की लकड़ी से नहीं बना, कोई लोहे से नहीं, कोई धातु का नहीं, कोई कोई रहस्यमय वस्तु का नहीं। लवने में इस परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड, भजसिन मनते ही राम कह काल जासु को। काल उनका धनुष है और काल की गणना मिनट सेकंड पल क्षण कलाक दिन रात महीना साल ये सब छोटे बड़े बाण हैं। मानवी के कर्म का फल देने के लिए काल रूपी धनुष पर राघव यही बाण चढ़ाकर सबको कर्म फल प्रदान करता है, लेकिन बिट ऑफ ऑट देख रही छिप कर प्रत्यक्ष नहीं देता है, फल प्रत्यक्ष नहीं पीछे से। अब कई लोग कहते हैं कि सोमनाथ पर हमला हुआ, सोमनाथ को विधर्मियों ने तोड़ा तो भगवान क्यों उनको फल नहीं देता, शिवलिंग को तोड़ने वालों को प्रत्यक्ष गला पकड़ लेते तो शंकर, ईश्वर प्रत्यक्ष फल नहीं देता, वो हमारे तुम्हारे जैसे गला नहीं पकड़ता, तो शैतान में और उनमें फर्क क्या रहा। और मैं ना भूलता हूं तो पूजनीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के पास जब ये प्रश्न आया उसने बड़ा तर्कयुक्त सटीक जवाब दिया था, मैं इस जवाब को वंदन करूं। पूछा कि कोई मूर्ति तोड़ता है तो उसी समय भगवान, यदि भगवान है तो क्यों उसको फल नहीं देता, बोले भगवान तोड़ने वाले को फल नहीं देते, जोड़ने वाले को फल देते। हजारों साल तपस्या करने के बाद प्रभु प्रसन्न होते हैं और जो तोड़ने आया उस पर भगवान दर्शन दे नहीं, लाख बोटी बोटी कर दे तो भी उनको भगवान दर्शन नहीं देंगे। बड़ा सतर्क जवाब था ये। ईश्वर कर्मफल आड़ में देते, प्रत्यक्ष नहीं देते। कई लोग कहते हैं इतना अपमान करते हैं, इतना वो करते हैं, उनको क्यों प्रभु दंड नहीं देते। नहीं नहीं, वो वृक्ष के पीछे छिपकर। तो कर्मनाशा नदी से डरना मत। हाँ,
क्या क्या अविकर्म नाश है, कहाँ पड़ता है? गया बक्सर गया पर, तो गया में तो सबकी मुक्ति होती है, उसके पास है ना, हाँ तो उसको तो बनता होगा। हाँ अच्छा अच्छा धन्यवाद, लख ले जाए बुद्ध तुम्हें याद करना उतार जो, फिर कभी मौका मिला हमारे भाग में होगे तो स्नान होगा, हमारे कुछ पुण्य होंगे तो कर्म नाशा का फल मिलेगा। मैं किसी भी बात से मेरी व्यासपीठ डरती नहीं, नरक तक जाने की तैयारी फिर क्या है, बिल्कुल तैयारी है, मेरे साथ आना और नाम लिखवाए। आवेश में हाथ मत ऊंचा करना, कभी जाना भी पड़े, घर वालों को पूछ कर बताना, कल बताना, जल्दी नहीं है, क्या नरक है। ईश्वर की व्यापकता का खंडन हो जाता है यदि ईश्वर नरक में नहीं है तो। ये तो किसी धर्म वाले ईश्वर को नरक में डाल देते हैं, तुम्हारे कृष्ण नरक में है, तुम्हारे राम नरक में है, ये क्या खोखली घोषणाएं हैं। मैं तो कहता हूं जरूर हमारे ईश्वर नरक में है क्योंकि व्यापक है, तुम्हारे भगवान नरक में नहीं होंगे क्योंकि खंडित है, एक ही जगह रह सकता है, व्यापक नहीं है। सीधी सी बात है, मेरा राम नरक में भी होगा, डरो मत, बस एक ही बात, निर्भीक हो। फिर मैं पतंजलि अष्टावक्र को याद करी, एक ही प्रश्न पूछता है जनक को, जनक मेरा ज्ञान सुनकर तू अभय हुआ, अभय हुआ, अभय हुआ, और आखिर में जनक कहते हैं मैं अभय हो गया। तब सदगुरु को संतोष, कितने डरते हो तू, किसी को मंगल मुश्किल दे रहा है, किसी को शनि दे रहा है। एक ज्योतिषी के पास एक आदमी गया, शनि बहुत परेशान करता है बाबा, कुछ करो। बोले एक मीटर काला कपड़ा ले आओ और 125 रुपया शनि को भेज दूं शाही स्नान के लिए। उसने कहा बाबा मेरे पास एक मीटर काला कपड़ा हो और 125 रुपये हो तो कोई कह सकता है शनि मुझे तकलीफ दे रहा है? तो दो होटल में जाकर नाश्ता ना करूं, काला कपड़ा उठकर सोऊं नहीं, ये नहीं है, इसलिए कुछ कम करो, 100 रुपया देना, चलो बाबा बहुत, 50 बाबा जरा दया करो, आप तो उदार है, आपको तो कहीं मिल जाएंगे, दुकान लगाई है तो 25 15 11 अब मत करना, 5 दे, चल तुम्हारा ओवर हमारा कोई पुराना संबंध है तेरे लिए कर दूंगा, चल 5 दे, जब कब कर दूंगा, 3 दिन का अनुष्ठान करना पड़ेगा, बहुत बहुत करना पड़ता, रात को जागना पड़ेगा, तुम्बड़ा में पानी ना खीन, ठंडे पानी नहाऊ पड़ से तेरा शनि निकालने के लिए, 125 रुपया। अरे बाबा 125 भी नहीं, तो बाबा खड़े हो गए और कहा कि तेरे पास 125 रुपया भी नहीं तो तुम्हें शनि क्या परेशान करेगा, मेरी एक बात मान, शनि को तू परेशान मत कर। अब वो बेचारे विज्ञान के नियम के अनुसार घूम रहे हैं, उनको तुम्हारी अंगूठी में क्यों लाते, वो बेचारा अस्तित्व का एक पूरा सुव्यवस्थित एक तंत्र चल रहा है ब्रह्मांड का। आभ ना था भला फिर एक बार रोज उभा रहे अन वायु नो वींजनो रोज हाले, उदय ने अस्तना दोरडा ऊपरे, नट बनी रोज रवि राज महले, आ भागती भागती पड़ी जती पण रात नव सूर्य ने हाथ आवे, कारण के कर्मवादी बधा कर्म करता रहे, एहने ऊंघवू केम। कविदात की दो पंक्तियां हैं गुजराती, प्रीतनी घैली आय बिचारी
सूरज पाछड़ रात पड़ी गई। रात स्त्री है, सूरज उनका पति है, ब्याह हुआ है, दुर्भाग्य मिलन नहीं हुआ। इसलिए बेचारी रात पियू को मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़ती है। कवि की कल्पना देखिए, सूरज पाछड़ रात पड़ी गई, प्रीतनी घैली भाई बिचारी, सूरज पाछड़ रात पड़ी गई। सूरज तो घोड़ा वाला है ना, अभिमानी, घोड़ला वालो घड़ी न रोके, रहता नहीं, जा रहा, घोड़ला वालो जरी न रोके, यानी फाड़ भैया मां फाड़ पड़ी गई, सुप्रीतनी घैली हाय। तो घोड़ा वालो सूरज तो रथ में जा रहा, बिचारी पत्नी रात पाछड़ पाछड़, अब सूरज तो डूब गया, तो पति दिखाई भी नहीं दे, तो कहते हैं पूरा दिन दौड़ी ना पीयू को मिलने में, इसमें क्या हुआ, अथड़ाणी आथमणि भीते, पश्चिम दिशा को दीवार कवि ने कल्पना की, और बेचारी पूरा दिन खाए पिए बिना दौड़ती थी पति के लिए, सूरज को पकड़े सूरज, लेकिन सूरज डूब गया तो पश्चिम दिशा की दीवार को वो टकरा गई, अथड़ाणी आथमणि भीते, एनु कंकु खरू यानी सांज ढड़ी गई, मांग माथी सिंदूर गिर गया, उसकी संध्या हो गई, नंदवाणी सौभाग्यनी चूड़ी, ऐसे टकरा गई तो हाथ का कंगन टूट गया, नंदवाणी सौभाग्यनी चूड़ी, आकाश मध्य बीज बनी गए, प्रीतनी घैली वार बिखरा गए, उसकी अंधेरी रात हो गई, हार गड़ाना हीरला टूटा, थोके थोके तारला थी गया, हार टूटा वो, भागती भागती पड़ी जती रात नव सूर्य ने हाथ आवे, कारण के कर्मवादी बधा कर्म करता रहे, एह ने ऊंघवू केम फावे। शास्त्र अद्भुत है, उपाय भी होते, लेकिन डरो मत, कई लोग हाथ में जो बांधते हैं इतना इतना बांधते, बांधो मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन खबर नहीं अंदर अंदर शरीर में उतर जाते हैं वो सब नाड़ा छड़, इतना बांध, राजकीय आगेवानों में तो मैंने बहुत देखा, इतना डरो, कोई ग्रह नड़ने परेशान करने वाला नहीं, यदि गुरु का अनुग्रह हो, ईश्वर का अनुग्रह। शंकर पार्वती का ब्याह हुआ ना, तो शंकर पार्वती ने पहले ही दिन निर्णय किया कि देखो भाई शादी तो हो गई लेकिन संसार का कोई ठिकाना नहीं, फिर आगे आगे जाते जाते फिर तकरार होगी, इसीलिए कोई ग्रह पीड़ा हो इससे पहले मैं एक ग्रह साधा है, हम दोनों एक ग्रह की भीटी रिंग पहन लें, पार्वती को कहा ताकि तकरार हो। किसी का दाम्पत्य ऐसा है कि तकरार न हो, हका हो नहीं, दाम्पत्य जीवन में तकरार न हो तो दुनिया की कितनी अजायबी है उनमें एक बढ़ानी चाहिए, लेकिन अकारण तकरार जो करते हैं, तौबा, कथा सुनने के बाद ऐसा जीवन जियो कि तकरार की जगह प्यार के देवता की स्थापना हो जाए, क्या तकरार, इतनी तकरार लोग करते। एक पति पत्नी 8 दिन से बोलते नहीं थे, अखंड मौन, सप्ताह मौन, बोलना ही नहीं, बस कोई भी काम हो तो चिट्ठी लिखते थे। एक दिन पुरुष को 5 बजे की ट्रेन से जाना था तो उसने चिट्ठी लिखी, प्रिय पतिव्रता, संबोधन किया, नाम नहीं लिखा, प्रिय पतिव्रता,
मुझे 5 बजे की ट्रेन से आवश्यक काम से जाना है, 4 बजे मुझे जगा देना। 13 हसबंड हंसता हंसता बंड करे, उनका नाम हसबंड, हंसे फुसलाए और भीतर से बंड करे, उसको कहते हसबंड। आई लव यू, अरे खा का आई लव यू। अब 4 बजे पत्नी भी बोलती नहीं थी, पतिव्रता तो थी ही, संबोधन में भी लिखा था। अब बोले तो मौन टूटे, व्रत भंग हो, पाप हो। मुझे तो यह भी समझ में नहीं आता कि पति पुण्य करे तो आधा पत्नी को मिले और पत्नी करे तो आधा, मुझे खबर नहीं, ये गणित मेरे मगज में बैठता नहीं। पुरुष जो करे उसमें से आधा पत्नी को मिल जाए, ये वो खबर नहीं, मरे तो मैंने वांधो नहीं। हाँ पत्नी करे शायद मिलता हो, बाकी आपड़े करिए आमाथी तो कहीं मरे मन नहीं लागत कहीं मरे। तो पत्नी जागी, कागज लिया, पेन लिया, डियर हस्बैंड लिखा, घड़ी में 4 बज गए हैं, जागो, आपकी प्रिय पतिव्रता। चिट्ठी उनके पास में रख दी। 7 बज गए, ट्रेन पहुंच गई जिस गांव जानी थी। ऐसा दाम्पत्य, तो ऐसा चल रहा था माम, सर्दी के दिनों की ठंडी थी, और पति पत्नी सुबह सगड़ी में अग्नि करके कोयला डालकर ताप रहे थे, गर्मी मौन, लेकिन आमने सामने बैठ कर ताप रहे। वो उनके सामने जो है ये ऐसे दिख रहा, अब इसमें ऐसा हुआ कि हवा के कारण एक अंगार उड़ा और पुरुष की धोती में पड़ा, और धोती जलने लगी, पुरुष को पता नहीं। अब पत्नी ने देखा कि जो धोती जल रही है, अब क्या करें, मौन कैसे तोड़ू। तो फिर तापते तापते कहे, किसी की धोती जले इसमें अपना क्या, किसी की धोती जले इसमें अपना क्या, किसी की धोती जले इसमें अपना क्या, अरे अपनो हड़गी जाहे। बाप शंकर जी ने पार्वती को कहा, देवी हम एक एक रिंग पहन ले ताकि तकरार न हो। तो बोले कौन सा, कौन के नंग की रिंग पहने, तो उसने मंगल का नंग पहना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सो दशरथ अजी, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत हारी। मंगल भवन अमंगल हारी मुझे एक बहुत बड़े एक हमारे में वैसे गृहस्थ, तो ज्योतिष में इतना उसने काम किया, दुनिया भर का ज्योतिष सीखा उसने, तो मेरे पास खास मिलने आए, ये बाबू आपका ग्रह देखना है। मैंने कहा रहने दे, कुछ मिलेगा नहीं। बोले नहीं बापू तरक्की हो। मैंने कहा तरक्की ही तरक्की है, क्या तरक्की चाहिए। मैंने कहा जब अवसर मिलेगा आपसे बात करेंगे, छोड़ो हम उसमें मेरी कोई श्रद्धा निष्ठा नहीं, मैं केवल और देवता चेतन धरिए।
तो उसके इर्द गिर्द वाले भी मुझे कहे बापू बहुत जानते बहुत जानते, उनका ही धंधा बैठ गया, दिवाला निकाला। मैंने कहा नींव ग्रह देख कर नहीं डाली होगी, कब क्या हो, हरि भजो बाप। हे प्राणी पैरवी कर, हे प्राणी हरि जो भजे पंडित जी भीमसेन जोशी जी उनका पैरवी, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे अषाढ उच्चारम मधुर्मलारम मणिमहारम जलधारम दादूरडकारम मयूरपुकारम दलितातारम नालहि संभारम व्यासी अपारम नंदकुमारम निरिहारी कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आऊं तेरी कैसे आऊं अषाढ़ खगुंबी लुंबी अंबर वदल बेवर चोलिया महलाल महलिए लाड गहलिए नीर जले न छले नड़िया इंद्र गाज अगाज करे घर सौराष्ट्र का साहित्य है जरा गुजराती है इंद्र गाज अगाज करे घर ऊपर अंब नया सर भरिया अजमाल न थूतन कुवर यार सोई तणी ऋतु सांभरी आऊ जमुना के तीर कैसे आऊ जमुना के तीर जमुना के तीर जमुना के तीर जमुना के तीर तो जो भजे हरि भजो सब वस्तु समय पर घट जाएगी क्यों डरते हैं क्यों भयभीत मुझे मौका मिलेगा तो कर्म नाशा में ना आएंगे राधे श्याम जी आओगे बस बस चलो एक ठुमका मार दे प्यारे
हे हरि हे हरि। कर्मजन्य का, कर्मजन्य दुख का नाश होता है, कर्म फल जन्म जन्म धारण करके भोगने का साहस, गुणजन्य दुख होता है। राम राज नभ गेश सुनु सचरा चर जग काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू। एक राम राज्य आया था जब चारों प्रकार के दुख नष्ट हो गए, न स्वभाव कालजन्य न कर्मजन्य, फिर तीसरा दुख है गुणजन्य सत्व रज तम। सत्व गुण का अर्थ है विचार करना, तमो गुण का स्वभाव है सोना, रजो गुण का कर्म स्वभाव है प्रवृत्ति में डालना। गुणजन्य दुख से मुक्ति मिलती है, जो गुण चल रहा है उसी में दूसरे गुण की मानसिकता प्रवेश न करे। अब तुम सो रहे हो, तमोगुण है, और उसी समय तुम कहे कि हम प्रवृत्ति करें, हम सोचे, नहीं होगा, क्योंकि अपने गुण में ही गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन इति मत्वा न सज्जते। अब कोई रजोगुण है, रजोगुण तो उसमें तो प्रवृत्ति करनी होती है, वो विचार करे। अब जब प्रवृत्ति करनी है तब विचार करे तो कैसे होगा? अब भूख लगी है, लड्डू खाने हैं, तब विचार करे, गेहूं लाएं, चीनी लाएं, घी लाएं, लड्डू पिसवाएं, ब्राह्मण को बुलाएं, लड्डू बनाएं, खसखस लगाएं, तुलसी दल डालें, पंचकवल करें, मन मोदक से पेट नहीं भरता, उसी समय प्रवृत्ति करनी पड़ती। अब रजोगुण चल रहा है उसी समय कोई सत्वगुण का आश्रय करे, दुख जाएगा नहीं। जो गुण वर्तमान है उसी गुण में चलना पड़ता है। अब जब सत्वगुण चल रहा है, चिंतन चल रहा है, उसी समय सोना मना है, उसी समय प्रवृत्ति बाधक है। तो कई आदमी ऐसे में जीते। गुणजन्य का, गुणजन्य दुख का समापन होता है जिस गुण के प्रवाह में उसी गुण में रहना पड़ता है। आखिरी दुख है स्वभाव जन्य दुख, उसका कोई इलाज नहीं, एकमात्र सत्संग है। वयम खलाहा सहोत्पत्या। कालीनाथ भागवत जी में बोला है, हे प्रभु तू मुझे मार दे, इसमें यशोदानंदन तेरी कोई बड़ाई नहीं, मेरे स्वभाव को बदल दे, मानू तो तू नंद किशोर है। क्योंकि हम वयम खलाहा, हम खल है, सहोत्पत्या दीर्घमन्यव, हम बदला लेने वाले, अमर्ष से आतंकित लोग हैं, हम क्या नहीं कर सकते। स्वभाव जन्य दुख, इससे तो भगवान बचाए भाई। कई लोगों को स्वभाव का कारण दुख है, घर में सब ठीक है लेकिन खुद के स्वभाव जन्य दुख पीड़ित है, क्या करोगे तुम तो? स्वभाव जन्य। कई लोगों को देखो रसोई ठीक नहीं बने तो गुस्सा करेंगे, ऐसी रसोई ऐसी, और फिर रात को अच्छी रसोई बने तो भी गुस्सा करेंगे, पूछेंगे कि अब क्यों, बोले दोपहर को ऐसी क्यों नहीं हुई थी, अब दोपहर चली गई अब तो कर, तो फिर कह दोपहर की जाने दो, फिर गुस्सा करेंगे अब क्यों करते हो, बोले कल ऐसी करोगे। इस स्वभाव चिड़चिड़ा स्वभाव बहुत मुश्किल है। मैं प्रार्थना करता हूं अपने स्वभाव को जांको, एक प्रकार का ध्यान है, देव देवताओं का ध्यान, ओमकार का ध्यान, जीरो का ध्यान, फलां का ध्यान, कई प्रकार के ध्यान की पद्धतियां आई, स्वागत। स्वभाव का ध्यान करो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार में देखना चाहिए कि मेरा स्वभाव तो मेरे परिवार के सदस्यों के दुख का कारण नहीं बन रहा। स्वभाव, कई लोग ऐसे, इतना मधुर स्वभाव होता है सामने से हो कि उसकी जेब में 500 रुपये की नोट डाल दे, और कोई के ऐसे स्वभाव होते तो हम लागे कापड़े दो थप्पड़ मार के बस से उतार दे उसको। स्वभाव होता है, कई लोग राम राज्य में चारों प्रकार के दुख, तो कर्म नाशा की बात चली थी, कर्म समाप्त हो जाए तो क्या।
दास वो है जो गुरु के कहने पर भी उपवास करे। रमण महर्षि ने कहा, शीतल वायु चलता हो तो फिर पंखा जलने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं तुझे व्रत करने की क्या जरूरत है। शरीर को तोड़ना मत, मैं बार बार कह रहा हूं, जवान भाई बहनों को तो खास कहो, बहु कहे अपने भी जरूरत नहीं उपवास की, क्यों वडिलोन को है ना पत्तू न ई करे, हजी आपड़ो जठराग नहीं तोड़े एवं पाणा पचावी ना के खाओ ने लेर करो ने, लेकिन सम्यक सम्यक। गुरु की बात न माने और शरीर को क्रुश करे। कबीर साहब ने कहा, मुझे ऐसा सदगुरु भावे जो हमें देह दंड न सिखाए। कबीर कहता, जो देह दमन की शिक्षा हमको न दे ऐसा सदगुरु, सो सदगुरु कहावे ऐसा छन्नू लाल ने गाया आकाशिक। मैंने तो देखा, एक वस्तु समझ लो, तप से सिद्धि मिलती है, बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है, प्रेम नहीं मिलता। हिरण्यकशिपु ने तप किया, सिद्धियां मिली, राम का प्रेम प्राप्त नहीं कर सका। रावण ने सिद्धियां प्राप्त की, प्रेम नहीं। कहता है होई भजन नहीं तामस देहा, इसका अर्थ तप खराब है ऐसी बात नहीं। तप यदि मुस्कुरा दे तो तप जैसा कुछ नहीं, लेकिन तब यदि मुरझा दे जरूरी गई। एकादशी ना उपवार करीने एक डजन केला खाई जाओ, केला ये तुम्हारू बगाड़ियों से शू। हमारे राम भगत ने तो एक भजन लिखा, आज मारे एकादशी नो उपवास, मैं बैठो छे भूख नो त्रास, मैं आज काई खाधूं थी, मैं आज काई खाधूं थी, काई खाधूं कुछ नहीं कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं लिया, एकादशी है ना तो कुछ बोले खाली थोड़ा शिंगोड़ा नो शीरो की धो अने राजगरानी पूरी एक डजन, अने वाला कुकड़ी केला नहीं। दक्षिण भारत में कर्नाटक में जो कुकड़ी केला आता ना सुबह सुबह नाश्ते में देते हैं पीला रंग का, मने खबर नहीं, मने केला गमे नहीं, जो देवतान चढ़ावी दो, देवतान चढ़ावी दो कुकड़ी केला केलू तो नान्यतर जाति केलू नहीं होवू जोईए, मर्दाना छोटा छोटा बिल्कुल। एक डजन केला तो खाए, छाल नु शाक करीन खाई ले। एक डजन केला खाधा तो ही न रही सबूरी, मैं आज काई खा दूं। एक गांव में एक केले वाला केला बेचता था, केले में लखपति बन गया। तो दूसरे व्यापारी को लगा कि ये धंधा करने जैसा है, तो उसने सामने दुकान केले की लगाई। अब वो तो पहुंचा हुआ आदमी, पक गया था केले का व्यापारी, लाखों रुपया का, और ये नया नया, तो उसको लगा कि मैं उसको बैठने न दूं। तो एक रुपये में डजन केला मिले तो वो व्यापारी 50 पैसे में डजन कर देता, जमा हुआ 5,000-10,000 का घाटा हो लेकिन उसको बैठने न दूं, कहां तक बेचेगा। रुपये का डजन मिलता था उसने 50 पैसे का कर दिया, तो उसने भी 50 पैसे में केला कर दिया डजन, तो उसने 25 पैसे में कर दिया, तो उसने भी 25 पैसे में कर दिया, पूरा गाँव केला ही खाए, आखा गाँव ने सर्दी केले ही बस, ये दोनों की स्पर्धा में। काशी में विश्वनाथ के दर्शन करने जाओ ना तो दुकानें इतनी संकीर्ण है, आमने सामने लड्डू का प्रसाद बिकता है ना,
तो इसमें दोनों लड्डू वाले गुस्से में आ गए, लड़े, तो एक अपनी दुकान से लड्डू उस पर फेंके, वो दूसरा इस पर, और बीच वाला प्रसाद लेकर हर हर मा, लड्डू से लड़े। हमारे अपने एक कौन अपनी कथा क्या आती गुजरात में चीकू बहुत होते हैं, दाणु, दाणु में चीकू बहुत है, बहुत चीकू होते दाणु। तो मैंने सुना कि वहां चीकू की वाड़ी वाले जो लोग होते हैं ना, वो कुत्ते अंदर आते तो पत्थर नहीं मारते, चीकू मारते, चीकू से मारते कुत्ते को, इतने चीकू होते वहां, चीकू का तो कर। पूरा गांव केला ही खाए, जब दिखो केला, बस खोजी गया बता सर्दी में, सोच सोच गए केले सबका, कफ ने माजा मुकी, यहाँ केले बहुत बिके और अमृतांजन बाम वो भी उपड़ा, यहाँ से केला ले अमृतांजन ले। घना लोग विक्स गड़ा में लगा जो मैंने देखा, भूपेंद्र भाई था विक्स ले और अंदर, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, मैंने सर्दी जल्दी चली, बाहर से उपचार नहीं, हम भीतर को मानने वाले, ठीक है लगा अमृतांजन। अब वो 20 पैसे में डजन कर देता है तो ये भी 20 पैसे में कर देता, उसको लगा कि मैं तो जमा हुआ व्यापारी, शायद 50,000 का घाटा, लेकिन ये अभी अभी बैठा मेरे सामने स्पर्धा कर रहा, नहीं गया तो पूछने गया कि तुम्हें कैसे अनुकूल पड़ता है, मैं दाम घटाता हूँ तो तू कर। बोले मुझे कोई चिंता नहीं, क्यों कि तू दाम घटाता है ना तब तेरी दुकान से ही मैं खरीदता हूँ। तू बिलेर कर, मैं बिलेर कर, હું ખાઉં છું એટલા મારા હાંસલ, બાકી એમ જ ચાલે છે। એક ડઝન કેળા ખાધા તો એ ના રહી સબૂરી, મેં આજ કાંઈ ખાધું નથી, મેં આજ કાંઈ। फिर भी बाप जरूर एकादशी का व्रत आप करते हैं तो जरूर जरूर करिएगा, मैं उसमें वो नहीं करूँ, ये भी एक व्रत है, लेकिन व्रत के साथ वृत्ति ठीक रहे उसका ध्यान रखना, व्रत हो और वृत्ति बिगड़े। तो मैं तो मेरा अनुभव कह रहा था, भाई मुझे जब एकादशी आई कुछ दिन किया तो नहीं अच्छा लगा, बहुत खाने की इच्छा हो जाती, तो मैंने कहा छोड़ो छोड़ो ये दम्भ में रहना, इससे तो बेहतर है कि, तो आज भी एकादशी में खा कर आया हूँ सच में, तो सुबह में ठाकुर जी को भोग लगा कर गांठिया जलेबी खाई ली जा, खवाए गांठिया तो एकादशी में खवाए नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे विनोद कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। आपका व्रत जो करते हो जरूर करिएगा, आपका प्रणाम, आपकी श्रद्धा अपनी अपनी श्रद्धा का सवाल है, लेकिन गुरु कहे फिर भी उपवास किया करे वो दास नहीं है, और कुछ हो सकता, उदास नहीं वो दास, कोई आश नहीं वो दास, गुरु की उपहास न करे वो दास, गुरु के कहने पर माने आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा वो दास। आपको कोई व्रत हो और गुरु के पास जाओ और गुरु आपको प्रसाद दे, और प्रसाद ऐसा है कि जो आपके व्रत में आप न ले सको तो भी लो, क्योंकि वो व्रत भंग नहीं, वो व्रत का फल है। नहीं नहीं हम कुछ नहीं लेते, हम कुछ नहीं लेते, जाओ। मुझे एक परिवार मिलने आया, मैंने बनी घटना, मैंने कहा चाय पियोगे, कोल्ड कॉफी पियोगे, ये पियोगे, ये पियोगे, नहीं नहीं हम कुछ नहीं लेते बाहर का, मैंने कहा ये बाहर का नहीं है घर का है, भोजन करोगे, नहीं इस तरह वो कह रहे थे कि मुझ पर प्रभाव डाल रहे थे कि हम कुछ लेते नहीं, हम कुछ लेते बाहर का कुछ पानी तक नहीं पिया, ठीक है। अब हुआ ऐसा
कि जब टिकट न लो तभी चेक कराता है। तो वो घर से गए और मुझे चित्रकूट जाना था मेरे गांव, तो खबर नहीं ड्राइवर ने अचानक वहीं से गाड़ी घुमाई, तो वहाँ सब कोका पी रहे थे, सब वो बिलक वो सब पी रहे थे बाजर का, और घर पर आकर के हम कुछ नहीं लेते, हम कुछ नहीं, ऐसे दंभ में मत जियो, क्या जरूरी है। शायद दो व्यक्ति राजी हो जाए तो दुनिया क्या देने वाली है, हरि को राजी करो बाप, ये दुनिया तो आज राजी होती है कल नाराज होती है, इससे क्या चिंता। फिर भी व्रत जरूर करिएगा, मेरा कोई वो पाबंदी नहीं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो दास की परिभाषा, जो आश न रखे, जो उपहास न करे, जो झूठे व्रतों में अपने देह का दमन न करे, क्योंकि दास होने के लिए शरीर सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि सेवा में लगा। तो कहा भुसुंडी जी ने, प्रभु आप दासों को संतत बढ़ाई दे रहे हैं, संतत दास संत कर रही है। विश्वामित्र जी को राम ने पूछा, ये कौन है? राम नहीं जानते थे कि ये ताड़का है, दास को बढ़ाई दे रहा है। इमारित सुबाहु कौन है? नहीं जानते थे, दास को बढ़ाई दे रहा है। ये अहल्या कौन है? राम को खबर नहीं थी, विश्वामित्र को, दास को बढ़ाई दे रहा है। ये गंगा कहां से आई, किस तरह उसका अवतरण हुआ, दास को बढ़ाई दे रहा। हम जरा नगर देखाएं, क्या राम का नहीं देखा हुआ नगर है? दास को बढ़ाई दे रहे हैं। हम बाग में फूल ले आए, दास को, प्रभु सब बात को अपने आश्रितों को बड़प्पन देने के लिए करते हैं। वाल्मीकि जी को पूछते हैं हमें स्थान बताओ, भरद्वाज जी को पूछते हैं हमें रास्ता बताओ, कुंभज को पूछते हैं हमें मंत्र बताओ, संतत दासन देह बढ़ा, ये बड़प्पन देने का प्रभु का स्वभाव। और बड़प्पन वो दे सकता है जिसके पास बड़प्पन हो। आपके पास रुपया है तो रुपया दे सकते हो, उदारता हो तो उदारता दे सकते हो, क्षमा हो तो, जो स्वयं छोटा है वो दूसरों को क्या सम्मान दे सकेगा, जो स्वयं में सम्मान से भरा है वही दूसरों को बड़प्पन। तुम्हारा जो अपमान करे तो समझना उनकी तिजोरी खाली है, सम्मान शेष उनके पास नहीं है, इसलिए बेचारा अपमान कर रहा है, सीधी सी बात है। प्रभु जो बड़ हो राम बड़ाई, परमात्मा के समान कोई बड़ा बाप, संतत दासन देहु बड़ाई। आप दास को बड़प्पन देते हैं, इसलिए आप मुझको पूछते हैं महाराज कि हम कौन मंत्र बताइए। आप जो प्रश्न राम जी ने पूछा था, अब वो जवाब आ रहा है, प्रभु परम मनोहर ठाम। प्रभु यहां से थोड़े दूर एक परम मनोहर स्थान है, पावन पंचवटी ते ही नाम, उसका पवित्र पंचवटी नाम है, दंड साप मुनिवर कर हर। परम मनोहर स्थान है,
और पवित्र पंचवटी नामक स्थान है थोड़े दूर यहां से। दंडक वन को हे प्रभु पवित्र कीजिए और महात्मा के उग्र श्राप को मिटा दीजिए। इक्ष्वाकुल में, रघुकुल में एक दंडक नाम का राजा हुआ, उसके पीछे दंडक वन का पूरा इतिहास पड़ा है, तथ्य वहां पहुंचता है। मूल राजा है दंडक रघुकुल में, लेकिन ये राजा कहते विंध्यगिरी से लेकर नीलगिरी तक तक उसका साम्राज्य दे दिया गया था, क्योंकि बड़ा उद्दंड हो गया था, बड़ा उद्दंड था वो। तो फिर उसके पिता ने उसको इतना एक पट्टा दे दिया कि तुम वहां शासन करो। एक दिन शुक्राचार्य के आश्रम में जाता है, दंडक नाम रघुकुली, शुक्राचार्य के आश्रम में। शुक्राचार्य की बेटी का नाम है विरजा, जवान लड़की थी, और ये दंडक विरजा को देखकर मोहित होता है। मोहित होता है, इतना ही नहीं, उसकी कामोत्तेजना ने उसके पास जाकर कुछ ऐसी चेष्टाएं की, लड़की बेचारी सहम गई, ऋषि कन्या, उनके साथ ऐसी बातें बोला, ऐसा ऐसा, तो लड़की एकदम अपने आप को बचाने के लिए भागती और शुक्राचार्य के पास जाकर ऐसे बैठ गई, पीछे पीछे दंडक भी गया। और बेटी के देख करके शुक्राचार्य समझ गए कि मेरी पुत्री को इस दंडक ने परेशान किया है, श्राप दिया, 6 महीने में तेरे राज्य पर पर्वत बालू ऐसी वर्षा होगी कि पूरा राज्य समाप्त हो जाएगा, बालू और वृक्ष नहीं बचेंगे, सब ऐसे हो जाएंगे। इंद्र को स्तुति की शुक्राचार्य ने, और ऐसी वर्षा हुई और ये दंडक राजा का पूरा राज्य इसी स्थिति में आ गया, उसी का नाम हुआ दंडक वन। आज कुंभज कहते हैं वो उग्र श्राप जो शुक्राचार्य का था, आप उसका हरण करो, आपके उसी कुल में आप पधारे हैं, आप उग्र श्राप को मिटाओ। और आगे की पंक्ति, बस करहू रघुकुल के श्राप को मिटा दो, दंडक वन को पवित्र कर दो, वहां जाकर हे रघुकुल राया आप निवास करो, सबको धन्य करो। स्थान विचार सब निर्देश कर दिया और भगवान फिर वहीं से दंडक वन में गोदावरी के तट की ओर गति करते हैं। वो उपसंहारक सूत्रों की कथा कल करूंगा और नवदिवसीय मानस कुंभज को विराम दिया जाएगा। तो आज के सूत्रों को यहाँ रखकर आइए थोड़ा कथा का क्रम ले। लेकिन कथा के क्रम में प्रवेश करें इससे पूर्व कुछ समय के लिए राम मारा अंतरनाम राम मारा राम मारा अंतरनाम राम मारा अंतरनाम हे राम हे राम राम मारा अंतरनाम।
हमारा अंतर ना हारा राम हमारा राम हमारा अंतर ना राम हमारा अंतर ना राम हमारा अंतर ना राम हमारा अंतर Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram.
यह सब चरित कहा गाई आगे कथा सुनहुं। भगवान राम के प्रागट्य और उसके बाद के चरित्र संक्षेप में गाए गए। अब विश्वामित्र मुनि राम की खोज करते अयोध्या आए। महाराज दशरथ जी से राम की मांग की। दशरथ जी ने मना किया और वशिष्ठ जी ने दरमियान गिरी की। देहु भूप मन हर्षित, ये वो वशिष्ठ जी हैं जब विश्वामित्र ने कामधेनु मांगी तब मना किया था। ये वही वशिष्ठ जी हैं जब राम मांगा तो कहा देहु भू। अब सही मांग निकली है इसलिए राम को दे दो। वहां तो कामना थी कि काम दुर्गा से मैं कामना मैं सिद्ध हो जाऊं। अब राम काम नहीं मांग रहे, अब राम मांग रहे हैं। और कुपात्र आगड़ पानबाई वस्तु नवर्ये, वही विश्वामित्र की खोज दूसरी दृष्टि की हो गई तो राम देने की बात कर। राम लक्ष्मण को लेकर पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति दीन अखिल विश्व कारण करम। भगवान राम को लेकर विश्वामित्र जी निकले हैं। रास्ते में ताड़का का उद्धार किया, आश्रम में पधारे। दूसरे दिन प्रभु ने कहा आप निर्भयता से यज्ञ करें, हम दो भाई सुरक्षा में लगे। मारीच आया है मुनिद्रोही, प्रभु ने बिना फने का बाण मारकर सतजोजन फेंक दिया। सुबाहु को जलाकर भस्म किया, मुनि के यज्ञ को पूरा किया। मैंने बहुत बार कहा, केवल कहकर आगे बढ़ूं कि मानव जीवन एक यज्ञ है। इसमें हमारे पास सूत्र हो, मंत्र हो, साधन हो, साधना हो, शास्त्र हो और शस्त्र भी हो, छहों हो, फिर भी राम लक्ष्मण न हो तो किसी का यज्ञ पूरा नहीं होता। राम यानी सत्य, लक्ष्मण यानी त्याग। कितने ही मधुर सूत्र बोल सके, पाठ करे, मंत्र उच्चारण करे, साधना भी बहुत करे, साधन संपन्नता भी हो, शास्त्र भी बहुत हो, शस्त्र भी हो, लेकिन सत्य न हो और त्याग न हो तो यज्ञ अधूरा रहता। तो जीवन यज्ञ है। राम लक्ष्मण के आने से यज्ञ की पूर्ति हो गई। कुछ दिन प्रभु विश्वामित्र के आश्रम में रहे। अब विश्वामित्र जी के कहने पर धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ हर्षि चले मुनि वर। जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है, राम वहां जाएं। प्रभु ने हाँ कह दी। विश्वामित्र के संग यात्रा की। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम आया। प्रभु ने अहल्या का उद्धार किया। गोस्वामी जी लिखते हैं पर सत पद पान सोकन सावन प्रगट भई तप सुखदायक सन मुख होई पर जोरी रही। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन नारी अपावन प्रभु जग पावन पाही पाही सरण आई
यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परि जो अति मन भार सो बर पावा गई पति लो प्रभु के पावन चरण का स्पर्श होते ही तपस्या के पुंज की तरह अहल्या जी चैतन्य चेतनावंत बने हैं। प्रभु की स्तुति करके पति लोक की ओर गति कर भगवान को विरुद्ध मिला पतित पावन। रघुपति तो थे क्योंकि रघुकुल में प्रकट हुए। माँ कौशल्या उसको राघव कहती थी इसलिए राघव भी थे रघुपति राघव। और कुल परंपरा के हिसाब से भविष्य के राजा राम भी हैं इसलिए रघुपति राघव राजा राम। इतना तो था पतित पावन यहाँ से शुरू हुआ। अब सीताराम बाकी हैं हम जल्दी जनकपुर पहुँचा कर सीताराम बना दें। ब्याह बाकी है अहल्या का उद्धार करके निकले। श्री गंगा जी के तट पर पहुँचे प्रभु ने जिज्ञासा की ये कौन नदी है। विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई। प्रभु गंगा के तट पर पहुँचे हैं एक बार गोदावरी के तट पर। ये गोदावरी भी गंगा है ध्यान देना। शंकर जी ने जटा पचारी ब्रह्मगिरी ऊपर ये त्र्यंबकेश्वर जो ब्रह्मगिरी वहाँ शंकर जी ने जटा पछारी तीन बार और जटा पछारी उसमें से जो गंगा निकली उसी का नाम है गोदावरी। ये भी गंगा है। बोलिए गंगा मैया हर हर गंगे हर हर गंगे गोदावरी मैया की जय कुंभ मेला की जय कुंभ मेला की जय। बाप प्रभु ने गंगा के तट पर स्नान किया। गंगा गंगा है अद्भुत भारत महान है गंगा के कारण। भारत रत्न बिस्मिल्ला खां साहब बनारस में रहे शहनाई वादक उसको जब भारत रत्न की उपाधि मिली तब पत्रकारों ने पूछा कि आप इतनी तंगी में रहते हैं तो अमेरिका में जाकर आप रहे तो हर प्रकार की सुविधा हो जाए तो सुन लिया। बोले आपका आपकी राय ठीक है मैं अमेरिका जाऊं तो जरूर सब कुछ मिले लेकिन मुझे गंगा कहाँ मिलेगी। मेरी जो बनारस की गंगा है वो मुझे अमेरिका में थोड़ी मिलेगी। ये है भगवती गंगा। शंकराचार्य भगवान कहते माँ तेरे तट पर बसकर केवल नीर मात्र आसनो केवल तुम्हारे पानी का आसन करके मैं हरि हरि पुकारता हुआ कृष्ण को पाऊं। गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी यमुना सरल क्या हमारी नदियों के वैभव हैं। तीर्थों में रहने वाले और तीर्थों में आने वाले सबको करबद्ध प्रार्थना इन प्रवाहों को प्रदूषित न करें इनकी पावन धारा को अक्षुण रखें। गंदी नालियां न डालें गंदगी न डालें ये हमारे संस्कृति के प्रवाह हैं। लोक माताएं हैं मुंशी की बोली में ये लोक माता है नदियां तीर्थ है। विश्वामित्र महाराज ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई। प्रभु ने गंगा स्नान किया और तीर्थ के देवताओं को दान दिया। अब कई लोग कहते हैं भगवान ने दान कहाँ से दिए अयोध्या से ले आए थे। अब अयोध्या से लाए न लाए लेकिन तुम्हारे घर से नहीं ले गए इतना पक्का मैं आपको कह सकता हूँ मेरे ठाकुर के बारे में। अब दया ईश्वर है संकल्प से सृष्टि होती है उसको कहाँ से निकालने की क्या जरूरत। फिर भी मारीच और सुबाहू को मारे ना ये लोग लूटफाट करते थे तो उन्होंने कई गहना कुछ सोना चांदी एकत्रित किया वो सब खजाना विश्वामित्र के पास आया तो विश्वामित्र ने कहा राघव साथ में ले चलें बीच में तीर्थों में स्नान करें
तो तीर्थों के देवता को दे देंगे, तो वो लिया था वो दिया, इसलिए फिक्र मत करना। गंगा के तट से यात्रा जनकपुर पहुंची है। महाराज मिथिलेश ने स्वागत किया, सुंदर सदन में निवास करवाया। सायंकाल को प्रभु नगर दर्शन को गए और पूरी नगरी को प्रभु ने अपने रूप से डुबो दिया। शील से अयोध्या को जीता, रूप से जनकपुर को जीत रहे हैं, बल से लंका को जीतेंगे प्रभु राम। रूप शील बल धाम, तीन के धाम हैं प्रभु। पूरी मिथिला राम का रूप देखकर डूब गए। जब राम लखन नगर दर्शन को निकले, मिथिला के पुरुष जो लोग थे ना, वो कतार में खड़े थे, देखते रहे, कोई पूछा नहीं, कोई निकट गए नहीं, छू न पाए, देखते रहे। बालक जो राम के समवयस्क थे, वो राम का हाथ पकड़ करके पूछते हैं, स्थान दिखाते हैं। लेकिन मिथिला की जो माताएं थी, वो अटारियों में से मर्यादा और शील से झुक झुक के राम का दर्शन करती थी। तीन प्रकार के दर्शक गोस्वामी जी ने बताए। पुरुष लोग दर्शन कर रहे हैं वो ज्ञानी हैं, माताएं जो दर्शन करती हैं वो भक्तिमती हैं, और बालक जो दर्शन कर रहे हैं वो पूर्ण निखालस हैं, पूर्ण निखालस, इसलिए भगवान को छू लेते हैं, प्रभु के संग संग चलते। पुरुष तो कुछ बोले नहीं, ज्ञानी लोग कहाँ बोलते, गंभीर रहते हैं। माताएं हैं पहचान ले, भक्ति गाती हैं, भक्ति नृत्य करती हैं, भक्ति तो मुखर हो जाए, इसलिए माताएं परिचय पाती हैं कि राजकुमार कौन। एक सखी दूसरी को कहती कौन है पता है, ये आगे जा रहा है ना सांवरा, उनका नाम राम है, इनकी माँ का नाम कौशल्या, पीछे जो गोरा है उनका नाम लखन है, उनकी माता का नाम सुमित्रा, दोनों दशरथ के राजकुमार है, विश्वामित्र ले आए, रास्ते में मुनि वधु का उद्धार किया है, हमारे धनुष यज्ञ को देखने आए। सब परिचय माता ने उन्हें ले लिए। एक दूसरी सखी कहने लगी, अरे तुम्हें पता है, मुझे तो लगता है जनक राज प्रतिज्ञा तोड़ दे और अपनी जान की ये सांवरा राजकुमार जो आगे जा रहा उसके साथ उसका ब्याह कर दे, तो ऐसी जोड़ी कहाँ जमेगी। तीसरी सखी ने कहा कि मानो जनक राज प्रतिज्ञा तोड़ दे अथवा तो राम धनुष तोड़ दे और ये तू जो मनोरथ कर रही है वो हो जाए, सीताराम मिल जाए, तो हमें क्या फायदा। चौथी सखी ने कहा, अरे बावरी तू क्या जाने, हमें सबसे बड़ा फायदा होगा क्या कि सीता को कभी लेने के लिए छोड़ने के लिए राम बार बार जनकपुर आएंगे और हमें दर्शन होगा। पाँचवीं सखी ने कहा, तू भी कमाल है, अब राम ही सीता को लेने आए छोड़ने आए वो कैसे तूने कल्पना कर ली, छोटे भाई को भी भेज सकते हैं। तो छठी सखी ने कहा, ऐसी बात नहीं, लेने के छोड़ने की बात ही नहीं होगी, क्यों कि एक बार ब्याह करेंगे ना तो जनकपुर से अयोध्या जाएंगे ही नहीं, हम उनको यहीं ही रख लेंगे। मिथिलावासी तो आज तक जानकी को विदा नहीं देते हैं ना, मिथिला का भाव है, राम को वहीं रखते हैं। मिथिला की बोली में सुंदर पद गाते, ओ पहुना ओ पहुना अब मिथिले ने रहुना, ओ पहुना अब मिथिले ने रहुना। मैथिली महिलाएं कहती हैं, ए पहुना हे हमारे अतिथि, अब आप मिथिला में ही रहिए, हम आपको बहुत संभालेंगे, रोज सुबह सुबह ऐसे सुगंधी उपटन से हम आपको नहलाएंगे ताकि आप काले हैं ना थोड़े उजले हो जाओगे, रोज उपटन से नहलाएंगे, आप यहाँ रहिए। ओ कहुना अब मिथिले रघुना, रोज सवेरे उबटन मली मली, रोज सवेरे उबटन मली मली, इत
तरसे नहवायब इतर से नहवायब एक महीना के भीतर में एक महीना के भीतर में करिया से गोर बनायब करिया से गोर बनायब झूठी कहत ना बानी बतिया झूठी कहत ना बानी बतिया मौका एको देहू ना अब मिथिले मैथिली भाव बड़ा अनूठा होता है, बड़ा अनूठा। मैं मिथिला में कथा कर रहा था तो एक हमारे अच्छे रामायणी जी उनके आश्रम में मैं बूढ़े वो जानकी की उपासना बेटी के रूप में करते हैं, सीता को अपनी बेटी मानते हैं। तो मैं गया और फिर उसने बहुत आदर दिया, दूध पान कराया, फिर कुछ रुपये मुझे देने लगे। मैंने कहा बाबा जी मेरा कुछ व्रत है, कृपया आप मुझ पर दबाव न डालें, बस आपका आशीर्वाद। बोले नहीं, आपका व्रत भंग नहीं होगा और आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा, बोले आप सीता को क्या मानते? बोले माँ वो मेरी बेटी है, आप मेरी बेटी के बेटे बनकर आए हो, मैं तेरा नाना हूँ। उसने दिया लेना पड़ा। हमर विनय श्याम पहुना से हमर विनय श्याम पहुना से माने या माने बहिन के नाते से हम सिया बहिन के नाते से हम सबको आपन जाने सबको आपन जाने बहुत दिना से भटकत बानी बहुत दिना से भटकत बानी चरण शरण रखी ले हुना अब मिथिले प्रेम प्रदेश है श्री मिथिला धाम। बोली भी बड़ी मधुर है, मैथिली बोली बड़ी प्यारी। श्री स्वामी सियाजू हमारी फिक्र हमें काहे की, हमारी स्वामिनी जानकी जी हैं हमें कौन चिंता है। बड़ी मैथिली बोली, बड़ी सुंदर है, बड़ा भाव रखती। तो मैथिली महिलाएं चर्चा कर रही
एक बार ब्याह हो जाएगा ना सकी तो हम यहाँ से जाने ही नहीं देंगे, तो लेने छोड़ने का प्रश्न ही नहीं होगा, जाने ही तो नहीं देंगे हम, यहाँ कायम रख लेंगे। और अब मिथिला का भाव है, वो जानकी की विदाई नहीं करते ये लोग, क्योंकि सोचते हैं कि हमारी बेटी अयोध्या जाती है तो उसको 14 साल का वनवास हो जाता है, नहीं 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 हम उसको नहीं भेजेंगे। ये श्रद्धा का मामला, भाव का मामला। तो माताएं जो भक्तिमती माताएं हैं वो राम और लक्ष्मण कौन हैं उनका परिचय प्राप्त, भक्ति प्रभु का परिचय प्राप्त कर लेती, ज्ञान देखता रहता है। लेकिन जो निर्दोष बालक हैं वो प्रभु से बातचीत कर लेते, तोतली बोली में प्रभु से वार्तालाप करते, तो ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का परिचय भक्ति में ज्यादा सुलभ है, ये मिथिला के इस प्रसंग ने सिद्ध किया। और मैं वैसे भी कहता रहता हूं कि भाई किसी भी व्यक्ति का परिचय पुरुष से बहन लोग ज्यादा जल्दी प्राप्त कर लेती है, झूठा सच्चा कैसा भी माताएं ले लेती, किसी भी व्यक्ति के बारे में होता ना माताओं को होता, यदि बहन बहन मुसाफरी करती है ना तो पूछेगी बहन कहाँ रहते हो, गुजरात, गुजरात में कहाँ, बड़ौदा, अच्छा कहाँ जा रही हो, मुंबई जा रही, अच्छा मुंबई में क्या है, मेरा ससुराल है, अच्छा ससुराल में कौन कौन है, बोले दो देवर हैं, दो देवरानी हैं, दो जेठ हैं, दो जेठानी हैं, तो फिर एक प्रश्न पूछेगी सास है, ससुर है, हैं बच्चे कितने हैं, सब पूछेंगे और फिर पता दे देगी हमारे गांव आओ तब हमारे घर जरूर आना, क्योंकि हमारे गांव में कथा होने वाली है तब हमारे घर ही ठहरियो और हमको लाभ देना। ये बहन लोग इतना रिश्ता पक्का कर लेते, और पुरुष पुरुष बैठे हो तो एक दूसरे के सामने आंखें निकाले, अहंकार होता है, परिचय नहीं, झुकता नहीं पुरुष, और झुकना नहीं वो मुर्दे की पहचान है, जिंदे की पहचान नहीं, झुकता वो है वो जीवित है, मुर्दा कभी झुकता नहीं, संसार में कोई झुके ना तो समझना मुर्दे का परिचय दे रहा है, क्योंकि जिंदा तो झुकेगा नियम ऐसा, सब परिचय प्राप्त। हमारे एक बहुत बड़े बूढ़े रामायणी जी थे त्रिकमदास जी बापू, जो रामायण के क्लासेस पाठशाला चलाते थे, उसने मुझे एक बात सुनाई थी कि मिथिला में एक नई नई बहू आई थी ब्याह कर, अभी एक महीने पहले आई थी, बड़ी शर्मीली, बड़ी लज्जामयी, बड़ी शीलवान, बड़ी राम प्रेमी, तो वो भी राम को देखने के लिए अटारी में आई, और सब महिलाएं अटारी से झुक झुक कर राम चले जा रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो उस बहू थी वो अपने घूंघट को ऐसे उठा करके राम को देखती थी, इतने में सास आ गए और कहा शर्म नहीं आती तुम्हें, अभी नई नई आई हो, एक महीना हुआ हम इतने बूढ़े हैं फिर भी अभी घूंघट नहीं हटाते, और तुमने घूंघट हटा दिया और नीचे देख रही है, कितने बड़े बुजुर्ग कतार में लगे हैं, कोई तेरा चेहरा देख ले, शर्म आनी चाहिए। लेकिन वो बेचारी नई बहू इतनी प्रभु में डूब गई कि सासु की बात उसको सुनाई नहीं दी, तो सास ने कहा अरे सुनती हो, सुनत हो, बेचारी इतनी डूब गई कि क्या सुने, और सास जिद करने लगी, हिलाने लगी, इतने लोग खड़े तेरा चेहरा देख लेंगे, मर्यादा का प्रश्न है, तब वो भान में आई, तब सुना कि सास डांट रही है कि तुम चेहरा खुला करके देख रही हो, लोग देख लेंगे, तब बहू ने कहा माँ क्यों चिल्लाती है, सब तो राम को देखने में पड़े, कौन मेरा चेहरा देखेगा, तेरे भाग फूट गए कि तू मुझे देख रही है, देख लेना राम, अवसर आया है राम को देखने के बदले तुम मुझे देख रही हो।
अब राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं, मिथिलानी महिलाएं ऊपर है अटारी में, अब राम का ऊपर का सिर का भाग दिखाई देता है, चेहरा तो नहीं दिखाई देता। ऐसे दूर से जब निकले तो यहाँ अटारी से देखे तो देख सकते हैं कि चेहरा, चले जाएं तो पीठ दिखाई देती, लेकिन जिस अटारी के नीचे राम आते हैं वहाँ चेहरा नहीं दिखाई देता। तो इन मिथिलानी महिलाओं ने युक्ति लगाई, ही हर्ष ही बर्ष ही सुमन, ऊपर से फूल फेंके और ऐसे फेंके कि राम के सिर पर पड़े, और अचानक फूल कहाँ से पड़े तो राम ने देखा और कहा प्रणाम। ऐसे योजना बनाई मिथिलानी महिला। अथवा तो एक संत कहते हैं फूल इसीलिए फेंका कि धनुष तोड़ना फूल जैसा कोमल नहीं है, लेकिन हम मनोती करेंगे कि आपके हाथ से धनुष भी फूल समान कोमल हो जाएगा। एक संत ने कहा नहीं, फूल इसीलिए फेंका कि हमारी जानकी फूल सी कोमल है, उसका बहुत ध्यान रखना, इसलिए फूल फेंका। एक संत ने कहा उसको पता तो नहीं था कि राम लखन निकलने वाले हैं, फूल का इतना तुरंत इंतजाम कैसे किया, क्या गमले में फूल थे अटारियों में? नहीं, तो फूल कहाँ से आया? बोले तुलसी ने फूल नहीं लिखा है, सुमन लिखा है। सुमन का अर्थ है सुंदर मन, आज प्रभु को अपना पवित्र मन अर्पण कर रही है सुमन। यह हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जहाँ जहाँ मेरे ठाकुर जा रहे हैं आनंद छा रहा है। भगवान नगर दर्शन करके लौटे हैं, संध्या वंदन किया, रात्रि के समय गुरु के चरण की सेवा की है, रात्रि विश्राम हुआ। दूसरे दिन सुबह पुष्प वाटिका में पुष्प लेने जाते हैं, सुंदर प्रसंग पुष्प वाटिका का, जानकी और राघव का मिलन, और फिर जानकी जी ने दुर्गा की स्तुति की, ये सब प्रसंग संक्षेप में पूरे हुए। प्रभु फूल लेकर गुरु की पूजा करते हैं, जानकी जी गौरी पूजा करके लौट जाती हैं, और फिर दूसरे दिन धनुष भंग का दिन है और कोई धनुष नहीं तोड़ पाया। भगवान राम ने गज पंकज नाल की तरह धनुष भंग किया। दिग्पाल चराचर दिग्गयन लर भरत दसकंद मुख भर सुर विमान हिमवान भानु संघटत परस्पर। एक क्षण के मध्यांतर में प्रभु ने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी का उसका रोचक वर्णन कर रहे हैं। जब ही राम शिव दंगलो, जब ही राम शिव दंगलो। जानकी जी ने प्रभु के कंठ में जयमाला पहना दी। पर महाराज आए भगवान की स्तुति करके, कही जय 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 रघुकुल के तू भृगुपति जय। जय रघुवंश बनज बनहारु, जय रघुवंश बनज बनहारु, गहन बनुए कुल दहन कृष्ण, गहन बनुए कुल दहन कही जय 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 रघुकुल के तू भृगुपति गए बनहारु।
मानस अगस्त्य की कथा हम कावेरी के तट पर कर रहे थे, तभी ये कावेरी राग बनाया हमारे गंधर्व जी ने और सब जी। इसमें दरबारी, मालकौश और भैरवी तीनों का मिश्रण करके ये राग, इसलिए मुझे वो कावेरी याद आ रही। जय जयकार करके परशुराम जी विदा हो गए। फिर विश्वामित्र जी ने जनक जी को कहा कि धनुष टूटने पर प्रतिज्ञा के मुताबिक ब्याह हो चुका, फिर भी अब वंश व्यवहार कुल और लोक रीति से ब्याह कराओ, मंडप की रचना करो, पत्र लेकर दूतों को भेजो, दशरथ जी को बुला लाए। दूत अवध गए, दशरथ जी बारात लेकर जनकपुर आए। मंगल मूल लगन दिन ग्रह नीति थी नख जोग बरबारु लगन सोधि विधि विचार। माक्षिर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन गोरज समय है, प्रभु दुल्हे राम की सवारी निकली है और विवाह मंडप में राम और जानकी का विवाह संपन्न होने लगा। एक और वशिष्ठ जी, एक और शतानंद जी विवाह विधि करा रहे। बोलते बोलते वशिष्ठ जी ने कहा, जनक जी आपकी तीन कन्याएं उर्मिला, छोटे भाई की दो कन्याएं श्रुतकीर्ति मांडवी, हमारे तीन राजकुमार लखन भरत शत्रुघ्न, आप चाहे तो इसी मंडप में राम की तरह सबका ब्याह हो जाए। बोले जरूर बाबा, उर्मिला लक्ष्मण जी को अर्पण हो। मांडवी जी संत भरत जी से ब्याही और श्रुतकीर्ति जी शत्रुघ्न को दी, जानकी राम को समर्पित हुई। चारों कन्याओं का एक मंडप में ब्याह हुआ। हमारे महात्मा लोग तो कहते हैं चार का ही नहीं हुआ, छैल छबीले जितने बारात में अयोध्या से लड़के गए थे ना, उन्होंने भी एक एक लड़की चुन ली। ये समूह शादियों का रिवाज तब से शुरू हुआ, मूल में रामायण है। जो लड़की पसंद हुई, जो छबीले को पसंद हुई, एक दूसरे मिले और आंखें लड़ी, पूछा राम को पूछ ले, विश्वामित्र को पूछ ले, जाकर सकुच के मारे पूछते हैं, बाबा ये लड़की मुझे कुछ कह रही, बाबा समझ जाते आशीर्वाद जा। तो दूसरा आता है, बाबा ये लड़की जरा कुछ कह रही अपना भाव व्यक्त, सब ब्याह है। जादूगर क्या एक का दो करता है, संत कर देता है, एक का हजारों कर देता है। एक राम का ब्याह होना था, न जाने शतको युवक शादी हो, अवसर आया कौन चुके। और ऐसा मौका राम के साथ ब्याह की तिथि आए। और मैं भी जुआनों को कहूं कि अवसर आए तो देर मत करना, लड़की पसंद करने में बहुत देर मत कर। एक आदमी 20 साल का था, लड़की पसंद करने गया, एक लड़की देखी तो सोचा ये छोटी है, दूसरी देखी तो कहता ये मोटी है, तीसरी देखी तो कहते खोटी है, चौथी देखी तो कहते नाटी है, पांचवी देखी तो कहते नौटी है, छठी देखी तो उसे काली कलूटी है, सातवीं देखी तो उसका उसका चेहरे का शेप थी। अरे तू तो दर्पण में देख, इतनी लड़कियां देखी, 20 साल निकाल दी, 20 का था 40 का हो गया, तब सोचा कि कहीं पता नहीं लगा। तो अब जो पहली लड़की देखी थी, बैठो बैठो अभी फोटा शादी था बाद में पार्टनर, अभी अजी बेचारो घूमे से 20 वर्ष थी, क्या फोटो क्या पड़। तो 20 साल बाद के इस युवक को हुआ कि पहली लड़की जो मैंने पसंद, उसमें मैंने सब कमियां निकाली, बेहतर था उसको ब्याह लेता। तो 20 साल के बाद फिर आया उसी गांव में, उसी घर में गया
और उस लड़की के पास गया तो उस लड़की ने अपने बेटे को कहा, बेटा मामा के पैर छू। मामो बिने 20 साल में शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, और अपने पिता के घर वो त्यौहार के लिए आई थी, जन्माष्टमी के त्यौहार के, और उसको एक 20 साल वो भी रही होगी, तो कहा मामा आया, फिर मामा बनना पड़े इसलिए। एक लड़के की सगाई होती थी ना, तो उनकी माँ मना करे, नहीं इस लड़की से नहीं, खबरदार तूने हाँ कही थी, बस हर बात में मना ही करे उनकी माँ। तो मित्र ने कहा, तो एक काम करना, तेरी माँ कहे ऐसी लड़की से शादी कर देना, तू जो पसंद करता है तेरी माँ मना करती है, ये लड़की नहीं ये ले, तो अब तेरी माँ जो पसंद करे उसी लड़की से ब्याह कर ले। बोले वो प्रयोग किया तो मेरे पापा मना कर रहे कि मैंने भूल की ऐसी तू मत करना, तेरी माँ जैसी मत लाना, मैं मर गया। सभी छैल छबीले ब्याह कर आए मिथिला से, खबर दे दी अयोध्या में, पोंखवानी तैयारी राख जो, तुम्हारू बबलू पर्णी ना हो। बीच बीच बरवास करी मगलो गन सुख देत, अवत समीप पुनीत दिन पहुंचे आई जने। सब अयोध्या पहुंचे, माँ कौशल्या ने चार सिंहासन पे रखे, उर्मिला लखन भरत मांडवी श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न जी और राम जानकी की आरती उतारी। राम राम परिछन हुआ, सबका स्वागत हुआ,
मेहमानों की बड़ी खातिर की भोजन करवाया। रात्रि में अयोध्या में जागरण चल रहा है, माताओं ने प्रभु को शयन कराया। आनंद उत्सव में कुछ दिन बीते, अब वशिष्ठ जी आए और शुभ मुहूर्त और दिन निकाल करके जानकी के हाथ का राम के हाथों से कंकर छुड़वा रहे। कंकर छोड़ने का विधि, तो इतने दिन हो गए तो कंकर बंधन की गांठी जो थी पक्की हो गई थी। राम जी बहुत कोशिश कर रहे लेकिन खुल नहीं पाई। तो मिथिला से जो दासियां जानकी के संग आई थी वो विनोद करने लगी, राघवेंद्र क्षमा करिएगा, धनुष तोड़ना आसान है लेकिन ये गांठ छोड़ना बहुत मुश्किल है। ताना मार रही है, वो विनोद कर रहे। सुदीन सोधि कर कंकर छोरे, मंगल बोध विनोद न थोरे। सीता जब से अयोध्या आई कई गुना अयोध्या की समृद्धि बढ़ी। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने राम यश गाया, रघुवीर चरित्र अपार। बालकांड के समापन का छंद है, गोस्वामी जी लिखते हैं। सिए राम पार करन कारन, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार, बारिधि पार कवि को ने लहु कवित प्रा मंगल सुनी सादर पैदे रघुवीर विवाह जय स प्रेम गावई सुनहि। सीताराम जी के विवाह की ये कथा जो प्रेम से गाएंगे सुनेंगे, इनके मंगल प्रसंग में प्रभु उत्साह वर्धन करेंगे। इति श्रीमद रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम प्रथम सोपान बालकांड समाप्त। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। चिंता मत करिएगा कि अब कल ही बाकी हैं और छह कांड कैसे पूरा होगा। हो जाएगा, होगा होगा होगा, हो जाएगा। क्योंकि वक्ताओं को छूट है व्यास करने का और समास करने का, प्रसंग का विस्तार और प्रसंग का संक्षिप्तीकरण, ये दोनों अधिकार वक्ता को प्राप्त है। तो कल संक्षेप में भुसुंडी रामायण के न्याय पर राम राज्याभिषेक तक की कथा को हम गा लेंगे और साथ साथ मानस भुसुंडी का दर्शन भी, उपसंहारक जो बचा है उसकी संक्षिप्त चर्चा कल करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम दूँ, इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए मैथिली कीर्तन। मधुर मधुर नाम सीताराम सीता, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, हरि बोल। मधुर मधुर नाम सीताराम सीता।
भुवन तनय संकट हरण मंगल मूरति राम लखन सीता सहित बोलिए आज की कथा को विराम दिया जा रहा है। कल सुबह फिर 9:30 बजे कथा का आरंभ होगा और 12 बजे के आसपास इस नव दिवसीय कथा को विराम दिया जाएगा। तो कल फिर सुबह 9:30 बजे भगवत चर्चा करेंगे। विराम के लिए भाव से बोलिए बोलिए रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की सदगुरु भगवान की ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नमः श्री महाराज की हर श्री राम छो सा